anti-aeugesin act yani nimagine. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से. इंडियाज नंबर वन स्टडी ऐप NTAUGCNET यानी NIMIGINET फॉर स्टडी नोट्स और वीडियोस, ऑल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड. डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NIMIGINET पर. दोस्तों आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी 2 घंटे की क्लास लेने वाले हैं और इस 2 घंटे की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू से लेके अंत तक करने वाले हैं. हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है इसके अंदर. और दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये 2 घंटे की वीडियो देखते हैं और नोट्स रीड करते हैं तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें. तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, हम रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक करने वाले हैं और इसमें हम ये जानेंगे कि रिसर्च क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं और मुख्य रूप से इसके अंदर हम फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और इनके बारे में जानेंगे. दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना. दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि शोध का मीनिंग क्या है, शोध का अर्थ क्या है, यानी कि शोध के बारे में हमें बेसिक चीज पता होना चाहिए क्योंकि तभी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं. तो दोस्तों शोध के अंदर जो एक सबसे पहली चीज आती है वो होती है हमारी समस्या, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास हम ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी है तो हम रिसर्च नहीं कर सकते. तो इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नई होनी चाहिए. नई का मतलब ये दोस्तों कि उसका समाधान अभी तक नहीं खोजा गया हुआ हो और हो सकता है उस पर काम हो गया, जरूर हो गया, काफी लोगों ने किया हो लेकिन उसका कंप्लीटली सोल्यूशन ना हुआ हो. तो इस तरह की हम समस्या उसके अंदर लेते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है. यानी कि वही बात होगी, यानी कि हम इसके अंदर ऐसी समस्या लेते हैं जिसका अभी तक सॉल्यूशन ना हुआ हो. और शोध के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है. और अगर इसे हम इंग्लिश के अंदर देखें तो दोस्तों जैसे रिसर्च, रिसर्च का बनता है री प्लस सर्च, यानी कि किसी तथ्य के बारे में हमें बार बार खोजना, उसकी जो समस्या है उससे रिलेटेड तथ्यों को एकत्रित करना और उससे जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार पर हमें देखना कि हमारा समाधान हुआ है या नहीं हुआ है. और भी इसके अंदर काफी तरह की बातें आती है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ये है दोस्तों कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च के अंदर नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, यानी कि नई नई चीजें खोजी जाती है और इसके अंदर जो हमारा जो पुराना जो ज्ञान है उसको इंक्रीज किया जाता है. और ये जो चीज है दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आती है कि अनुसंधान के अंदर क्या किया जाता है, तो वो ऑप्शन दे देंगे कि नवीन तथ्यों की खोज करना और भी 4-5 तरह के ऑप्शन देंगे और उनमें से हमें मल्टीपल क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होना चाहिए और भी हम इसके अंदर चीजें करेंगे जो इसकी विशेषताएं वगैरह है वो करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब देखिए अब हम बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है. दोस्तों इसमें से काफी बार क्वेश्चन आता है विशेषताओं में से, तो ये हमें करना जरूरी है. तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है वो एक वैज्ञानिक तरीके से होती है, सिस्टमैटिक ढंग से और सुनियोजित तरीके से वो की जाती है. ऐसे नहीं है कि रिसर्च मन में आया उसी तरीके से कर लिया और वो वैज्ञानिक नहीं है. नहीं, वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए. उसके बाद में जैसे ये चीज़ हमारी आगे कि नवीन ज्ञान के अंदर वृद्धि की जाती है कि हमारा जो ज्ञान उसके अंदर इंक्रीजमेंट किया जाता है. उसके बाद में जैसे हमारी जो शोध है दोस्तों वो विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर लोग विश्वास करें, इस तरह की हमारी शोध होनी चाहिए. और शोध के अंदर क्या होता है कि जैसे गुणात्मक और परिणात्मक पद्धतों की व्याख्या की जाती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे गुणात्मक और परिणात्मक जो चीज़ें होती हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं. गुणात्मक का अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो लड़कियाँ हैं उनको मारा जा रहा है, कोख के अंदर मारा जा रहा है, तो उसकी लोगों की थिंकिंग क्या है, तो उनका गुण क्या है लोगों का, किस वजह से वो मार रहे, इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो भी हम इंक्लूड करते हैं शोध के अंदर. और क्या होता है दोस्तों, और भी हम इसके अंदर देख लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हम थ्योरी चाहे कितनी भी पढ़ लें, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे. अब वही बात आती है दोस्तों, अगर हम किसी को बार बार रोटी पोना सिखाए, भाई रोटी इस तरीके से बनाई जाती है, तो वो रोटी बनाना नहीं सीखेगा जब तक वो उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कहता हूँ कि ओल्ड पेपर हमारे लिए करना जरूरी है. और आगे आता है दोस्तों हमारा शोध की विधिया, यानी कि अनुसंधान की विधिया, टाइप ऑफ रिसर्च. अब देखिए दोस्तों इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या होता है कि एक तो देखो टाइप ऑफ रिसर्च होता है, एक मेथड ऑफ रिसर्च होता है, तो इसके अंदर मिक्स सा होता है ये, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं. लेकिन इसके अंदर बात करें कि टाइप ऑफ रिसर्च में मुख्य रूप से 2 तरह की होती है. एक होती है दोस्तों हमारी फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि इसे मूलभूत अनुसंधान या बेसिक अनुसंधान भी कहते हैं, इसे कई तरीके से पुकारा जाता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. और
एक चीज इसके अंदर ये कि दोस्तों जब भी आप एग्जाम करो तो अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप वो रीड कर लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें मूलभूत अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, इस अनुसंधान के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम किसी वैज्ञानिक नियम का उत्पादन करते हैं, वैज्ञानिक नियम बनाते हैं। अब देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया था तो वो क्या होगी, हमारी फंडामेंटल रिसर्च होगी, बेसिक अनुसंधान होगी, यानी कि उसके अंदर हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं, जो नई नई थ्योरी है वो बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा अप्लाइड रिसर्च आता है। अब ये देखिए ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, जो चीजें हमने मूलभूत अनुसंधान में यानी कि जो नियम कानून और जो थ्योरी हमने बनाई वो इसके अंदर अप्लाइड करेंगे, यानी कि प्रयोग कर करके देखेंगे। अब वही एग्जांपल आता है जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया, उसकी थ्योरी दे दी और अब हम उसको जहाज एरोप्लेन उड़ाने में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी प्रायोगिक शोध होगी, यानी कि अप्लाइड रिसर्च होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड रिसर्च में से, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना और इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और आगे आते हैं दोस्तों हमारा और भी काफी तरह की रिसर्च है, जैसे अब बात करते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध के अंदर हम मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, और गुणात्मक शोध में उसके गुणों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हमारे देश के अंदर लड़कियां मर रही है, अगर उनकी काउंटिंग की बात करें भाई किस राज्य में कितनी मर रही है और गाँव लेवल पर हर लेवल पर वो देखें तो वो क्या होगी, यानी कि उनकी काउंटिंग करें तो वो होगी हमारी मात्रात्मक शोध, यानी कि क्वांटिटेटिव शोध होगी। और अगर हम उसके विचार देखें भी क्यों लड़कियां मर रही हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है, तो वो क्या होगी, हमारी क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक रिसर्च होगी। इसके अंदर ये डिफरेंस है। और अब अगली रिसर्च आती है दोस्तों हमारी वर्णनात्मक अनुसंधान, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किसी समस्या का अच्छे से वर्णन करते हैं और तब जाके हम उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आता है जैसे कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उनमें देखते हैं कि इनके अंदर क्या रिलेशन है। और उसके बाद में आता है दोस्तों जैसे एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, यानी किसी थ्योरी आदि को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जो रिसर्च की जाती है उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। और दोस्तों अगली रिसर्च आती है हमारी एक्सप्लोरेटरी, यानी कि खोजपूर्ण शोध। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो समस्या होती है उसको अच्छे से खोजने का प्रयास करते हैं कि रियल में ये समस्या है क्या, यानी कि इस तरह की समस्या जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि जिसका हमें अच्छे से नहीं पता चला कि ये समस्या क्या है, तो इस तरह की जो खोज की जाती है उसे हम खोजपूर्ण शोध कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों प्रयोगात्मक शोध, यानी कि एक्सपेरिमेंटल शोध। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि किस क्या चीज़ करने से क्या हो रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है डिडक्टिव तथा इंडक्टिव रिसर्च, इसके अंदर निगमन तथा आगमन विधि हम कहते हैं। देखिए निगमन विधि के अंदर क्या होता है, पहले हमें नियम बता दिया जाता है, उसके बाद हम उदाहरणों के द्वारा उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और इस विधि में जो सिद्धांत और परिभाषा है वो हमें पहले ही बता दी जाती है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। ये चीज़ हमें समझना जरूरी है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें यही से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों निगमन विधि के अंदर, जो निगमन विधि है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जो हमारे पुराने मेंबर उनको पता होगा, तो आप भी ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। और आगे हम बात करते हैं जैसे कि आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो निगमन विधि की अपोजिट हम कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, हमें विशेष से हम सामान्य की ओर चलते हैं। इसमें विशेष तथ्य घटनाओं को हमें पहले जिक्र किया जाता है, उसके बाद में हम सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए और इन्हीं में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और आगे जैसे बात करें दोस्तों हमारी आती है वैचारिक, यानी कि कॉन्सेप्चुअल, यानी कि किसी विचार के ऊपर किसी थ्योरी के बारे में जो रिसर्च करते हैं उसे हम वैचारिक शोध कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अनुभाविक शोध, एम्पिरिकल। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जो शोध की जाती है उसे हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों ऐतिहासिक शोध। अब ये देखिए ऐतिहासिक शोध में क्या होता है, इसका संबंध भूतकाल से होता है, यानी कि जो जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में हम रिसर्च करें तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्रियात्मक शोध। अब देखिए हमने देखा था कि क्रियात्मक शोध से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे समझना जरूरी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। और क्रियात्मक शोध में दोस्तों और भी काफ़ी तरह की बातें हैं, वो हम जब आगे पढ़ेंगे, जैसे स्टेप ऑफ रिसर्च की बात करेंगे तो उसके अंदर क्रियात्मक शोध आएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भी हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगली शोध आती है दोस्तों हमारी विश्लेषणात्मक शोध, यानी कि एनालिटिकल शोध। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास सूचनाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं हम, यानी कि उनको एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारी सिद्धांतिक, यानी कि थ्योरेटिकल शोध। इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जो हमारे पास सिद्धांत वगैरह है उसको लेकर हम शोध करते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है नैदानिक शोध, यानी कि डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक समस्या से रिलेटेड सभी तत्वों के बारे में हम बात करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती है उस पर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे कि इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, कि जैसे कोई संस्था है या कोई गाँव है उसके अंदर बीमारी फैल गई, तो हम क्या देखेंगे कि उस गाँव में बीमारी है वो क्यों फैली है, उसका वातावरण कैसा है, और वहाँ पर जो अस्पताल है वो कैसे, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से रहते हैं या गंदे तरीके से रहते हैं, यानी कि जो बीमारी फैली है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसको पूरे तरीके से हम देखते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, किसी समस्या से समस्या को हम लेते हैं और उससे उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नैदानिक शोध कहते हैं।
दोस्तों हमारी अगली शोध आती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं कार्योत्तर अनुसंधान या पश्चोन्मुखी अनुसंधान कहते हैं। और ये जो रिसर्च है दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस शोध में हम एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। और एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि ऐसी कोई घटना जो भूतकाल में घटित हो गई हो जिसे हम बदल ना सके। अब देखिए इसे थोड़ा सिंपली में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसी शहर के अंदर बाढ़ आ गई, यानी कि सुनामी आ गई, ठीक है। सुनामी आने से क्या क्या उसके जनजीवन पर प्रभाव हुआ, कितने लोग मर गए और कितने लोग बीमार हो गए, क्या कुछ हुआ, वो हम प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि पहले कोई घटना घटी है उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा है उसका जो प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च में दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसी घटना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसका जनजीवन पर या किसी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम जानने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। यानी कि एक चीज़ बिल्कुल फ्री है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे सुनामी मैंने बताया, सुनामी को हम रोक नहीं सकते, वो आएगी तो आएगी और उसके बाद में जो इफेक्ट पड़ेगा यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो बीमारी वगैरह होगी वो किस तरीके से हुई। अब जो बीमारी है, देखिए बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बीमारी जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सुनामी है हमारी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो में कई चीज़ें समझ में ना आए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा हमें तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हमें लाइव देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो चीज़ पहले से चली हुई आ रही है यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर मान के चलते कि जैसे 50 सालों से कोई चीज़ चली हुई आ रही है तो उसके हर 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले कैसे था, उससे 10 साल पहले कैसे था, यानी कि 50 साल का हम डेटा ले और उसमें देखें कि मोबाइल में किस तरीके से परिवर्तन आया है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों कारण प्रभाव, यानी कि कैजुअल रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में हम किसी एक चर के कारण दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर हम देखते हैं। दोस्तों अगली रिसर्च आती है हमारे पास सेंस रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जो जनसंख्या लेते हैं उसमें हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, इसमें संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती है, इसमें सैंपलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें हम हर एक व्यक्ति से मिलते हैं। और नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हम जब रिसर्च करते हैं तो जैसे 10 लोगों में से हमने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया, यानी कि वो एक सैंपल के तौर पर हम व्यक्ति लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति से जा जाकर मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंस रिसर्च कहते हैं, जैसे कि हमारी जनगणना होती है। तो दोस्तों ये हमारे टाइप ऑफ रिसर्च थे, मेन जो टाइप थे लगभग मैंने सभी करवा दिए हैं और मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूँ। और फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई टाइप समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो आज हम रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं, अनुसंधान के चर के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो रिसर्च में आगे बहुत बार यूज होगी, चर और वेरिएबल का नाम आपको हर बार सुनना पड़ेगा बार बार, तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना जरूरी है। और ज़्यादा दिक्कत उन दोस्तों को आती है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये अच्छे से समझ लें कि अनुसंधान में चर क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, स्टूडेंट अच्छे से नहीं समझ पाते, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझेंगे कि अनुसंधान के चर यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए चर क्या है, चर को हम किसी भी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं जिसकी कुछ मात्रा हो या फिर जिसका कोई गुण हो, जैसे कि भूकंप, बीमारी, नमक, नियम, गाड़ी इत्यादि। चर की काफ़ी तरह की विशेषताएं हो सकती है जो या तो चर खुद प्रभावित हो सकता है या फिर किसी दूसरी वस्तु को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए इसके अंदर हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि चर क्या होता है। दोस्तों चर कुछ भी हो सकता है, चर एक वस्तु हो सकती है, घटना हो सकती है, विचार हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसका या किसी दूसरी चीज़ पर इफेक्ट पड़ता हो या फिर वो खुद प्रभावित होती हो, ठीक है। जैसे कि हमने भूकंप की बात की, भूकंप आता है तो हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, बीमारी होने से हमारा जो शरीर है वो खराब हो जाता है, नमक अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो वो सब्ज़ी है वो भी खराब हो जाती है, नियम तोड़ने से और या नियमों का पालन करने से हमारी चीज़ें अच्छी और बुरी हो सकती है, और गाड़ी है, गाड़ी को भी सही चलाने से वो सही चलेगी और गलत चलाने से वो हमारा एक्सीडेंट कर सकती है। यानी कि चर का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु वो या तो किसी और चीज़ को प्रभावित करती हो या फिर वो किसी और चीज़ से खुद प्रभावित होती हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकती है, वेरिएबल्स आर एनीथिंग कैन इफेक्ट और चेंज द रिजल्ट ऑफ स्टडी, यानी कि किसी भी स्टडी के रिजल्ट को चेंज करने की अक्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और इसमें देखिए अब हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए जैसे एयर पोल्यूशन एक वेरिएबल है, एक चर है। अब देखिए एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा, ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिजीज़ यानी कि बीमारी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे दो चर है हमारे पास, एक तो है एयर पोल्यूशन और दूसरा है डिजीज़। तो अब देखिए जो डिजीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एयर पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है डिजीज़, ठीक है।
तो इसमें जो एयर पोल्यूशन है दोस्तों, इस चर के द्वारा ये चर प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से चर है, हमारे एयर पोल्यूशन है और डिजीज है, और कौन किससे प्रभावित हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया। अब देखिए इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वेरिएबल्स के, जैसे स्टूडेंट स्लिप्स और इफेक्ट स्टडी स्कोर। यानी कि अब देखिए स्टूडेंट है वो सोएगा तो उसका जो स्टडी स्कोर है वो प्रभावित होगा। अब देखिए इसमें दो तरीके से प्रभावित होगा, अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोएगा ठीक है तो भी उसका जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा, और अगर स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं सोएगा, दिन में मान लो 2 घंटे सोता है तो भी उसका जो स्कोर है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो स्कोर है वो इसके सोने के ऊपर प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे दो हमारे वेरिएबल है ये हमें पता चल गए। अब दूसरा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हो गए। और अगला, जैसे ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम के खाने से क्या होता है, फीवर यानी कि बुखार हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो या तो खुद प्रभावित होती हो किसी चीज़ से, या वो फिर किसी और को प्रभावित करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और आगे हम इसकी बात करते हैं कि चर है उसके कितने कितने तरह के हो सकते हैं। मेन मेन जो चरों की हम बात करेंगे, अब देखिए सबसे पहली जो चीज़ आती है टाइप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि उसका किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिल्कुल फ्री होती है। इस तरह के चर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सुनामी को हम रोक नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरह के जो चर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हमने सुनामी की बात की, अब सुनामी आएगी तो आएगी, सुनामी को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, सुनामी को हम नहीं रोक सकते, तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है, और अगला आता है दोस्तों हमारा आश्रित चर, आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया हो तो उसे हम दवाई देकर ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो चर होता है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे बुखार की हमने बात की, तो बुखार किसी और के ऊपर डिपेंड है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास मध्यवर्ती चर, यानी कि इंटरव्यूइंग वेरिएबल, मीडिएटिंग। इस तरह के, ये देखिए इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, लेकिन यह चर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच शामिल होता है। अब देखिए हमने बात की थी यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो मध्यवर्ती चर होता है इन दोनों के बीच में चर होता है जिसे हम अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, और यह चर इन दोनों के बीच होने वाले संबंध के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक होगी आइसक्रीम होगी और फिर हो गया बच्चे ने खाई, तीसरा हो गया बुखार हो गया और फिर वो बच्चा है स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करें तो कई तरह के वेरिएबल है, जैसे एक होगी आइसक्रीम होगी ठीक है, और फिर बच्चे ने उसको खाया और फिर हो गया बुखार और फिर इफेक्ट क्या पड़ा कि वो स्कूल नहीं जा पाया। अब देखिए अगर हम इन दो चीज़ की बात करें, दो वेरिएबल की बात करें, इन दो की हम बात करें ठीक है, तो इन दो के बीच में ये वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती चर या इंटरव्यूइंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों मॉडरेटर वेरिएबल, ये क्या होते हैं, यह चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंधों को सुधारने का काम करता है। अब ये देखिए जो स्वतंत्र और आश्रित यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में जो संबंध है उनको सुधारने का काम करते हैं। अब देखिए यहीं पे हम एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई और वो स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है, हमें पता क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसको बुखार हो गया। अब देखिए बुखार हम चाहे तो 5 दिन में भी ठीक कर सकते हैं, और अगर हम केयर ना करें तो हो सकता है उसे 15 दिन भी लग जाए। तो अगर यहाँ पे हम बच्चे को मेडिसिन वगैरह देंगे, मेडिसिन एक हमारा चर हो गया, मेडिसिन देंगे तो वो बच्चा क्या स्कूल जल्दी जाने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा मॉडरेट वेरिएबल, यानी कि दोनों के संबंधों को सुधारने का काम कर रहा है। ठीक है, और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास नियंत्रित चर, कंट्रोल वेरिएबल। इस तरह के चरों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे यानी कि जो हमारी नीड है उसे कम करना है, ज्यादा करना है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसा हमारे पास वेरिएबल होता है जो जिसका एक छुपा हुआ प्रभाव होता है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उसको बुखार हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। अब देखिए हमें लग रहा है कि बच्चे ने जो आइसक्रीम है वो खाने से उसको बुखार हो गया, हमें ये पता चल रहा है, लेकिन इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि बच्चे को मच्छर खा रहे हो, उसे डेंगू बुखार हो रहा हो। ठीक है, हम इस वहम में रहे कि बच्चे को सर्दी लगी इसलिए इसको बुखार हो गया, लेकिन हो सकता है उसे बुखार होने का रीजन कुछ और ही हो, डेंगू मच्छर ने काट लिया हो, मलेरिया हो गया हो, या कुछ और हो गया हो, गंदा पानी पीने से बुखार हो गया हो और वो फिर स्कूल ना जा पाए हो, और हमें लग रहा हो कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई है इसलिए वो बीमार हो गया। तो इस तरह के वेरिएबल जिनका दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जिनका छुपा हुआ प्रभाव होता है। दोस्तों अगला हमारा वेरिएबल आता है लैटिन वेरिएबल। अब देखिए लैटिन वेरिएबल के अंदर क्या होता है, ए हिडन वेरिएबल दैट कांट बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। अब देखिए ये वही बात आती है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था कि बच्चे को बुखार हो गया। ठीक है, बच्चे को बुखार होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे उसने हो सकता है गंदा पानी पी लिया हो या फिर मच्छर ने काट लिया हो। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल होते हैं छुपे वेरिएबल, इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि बच्चे ने कितना गंदा पानी पिया, किस वजह से बुखार हुई, क्या हुआ, यानी कि उनको हम मेजर और ऑब्जर्व डायरेक्टली रूप से नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिन वेरिएबल कहते हैं। और इसमें से एक से दो बार क्वेश्चन आया दोस्तों, ये आप ध्यान से देख लेना।
और आगे है दोस्तों हमारा मैनिफेस्ट वेरिएबल। अब देखिए मैनिफेस्ट वेरिएबल लैटिन वेरिएबल का थोड़ा सा उल्टा है, ए वेरिएबल दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब यही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई उसे बुखार हो गया, अब हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने एक आइसक्रीम खाई थी या 10 आइसक्रीम खाई थी या कितनी आइसक्रीम खाई थी, ठीक है, ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह के वेरिएबल जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट वेरिएबल कहते हैं। आगे आता है दोस्तों हमारे पास एंडोजेनियस वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिमिलर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही होते हैं, दे आर इफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल इन द सिस्टम। ये दोस्तों वही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह होते हैं, आश्रित चर की तरह होते हैं, जो किसी और के द्वारा प्रभावित होते हैं हमारे स्टडी के अंदर। दोस्तों आगे आता है हमारा डम्मी वेरिएबल। अब देखिए डम्मी वेरिएबल क्या होता है, रिकॉर्ड कैटेगोरियल वेरिएबल इन सीरीज ऑफ बाइनरी वेरिएबल। ये दोस्तों ये जो दोनों वेरिएबल है ये इको मैट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं, जो स्टेटिक्स वगैरह होता है, यानी कि जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारे इतने ज़्यादा नहीं आएगा ये वेरिएबल, आज तक मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन पेपर में, फिर भी हम जान लेते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो किसी की एब्सेंस यानी कि किसी की कमी को पूरा करता है। अब डम्मी डम्मी से देखो हमें समझ में ही आ रहा है कि किसी चीज़ की डम्मी बनाना, ठीक है, किसी की कमी को पूरा करना, यानी कि जो वेरिएबल किसी चीज़ दूसरी चीज़ की कमी को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, डम्मी वेरिएबल कहते हैं। देखिए डम्मी वेरिएबल के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट के अंदर एक जो खिलाड़ी है उसको चोट लग गई, ठीक है, तो उस खिलाड़ी की जगह एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी टीम में होता है, वो आके उसकी जगह लेता है, वो खेलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डम्मी वेरिएबल कहते हैं, यानी कि डम्मी के रूप में वो होता है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको जितने भी मेन मेन वेरिएबल्स थे वो मैंने सभी आपको करवा दिए हैं, और वेरिएबल अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत से वेरिएबल हो सकते हैं, छोटे छोटे हर फील्ड के अंदर अलग अलग वेरिएबल होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मली जो वेरिएबल यूज़ होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और अगर किसी दोस्त का कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इंडियाज नंबर वन स्टडी ऐप NTA UGC नेट यानी निमिजी नेट फॉर स्टडी नोट्स और वीडियोज, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों आज हम रिसर्च प्रोसेस और स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक आए हैं दोस्तों, दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुए हैं इसमें से क्वेश्चन। ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं आगे की वीडियोज़ में। सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के स्टेप देखते हैं कि जो हमारी सामान्य रिसर्च है वो किस तरह से होते हैं और उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल रिसर्च है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों सिंपल रिसर्च के अंदर, वो आती है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर रिसर्च का नाम आता है तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारा प्रॉब्लम सिलेक्शन करना, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो और जिसका अभी तक समाधान ना खोजा गया हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा साहित्य सर्वेक्षण, लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उस पर क्या क्या काम हो चुका है और लोगों ने क्या क्या समाधान खोजने की कोशिश की है। उसके बाद आता है दोस्तों परिकल्पना, मेकिंग हाइपोथेसिस। अब देखिए इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि हमारा ये जो काम है इसका रिजल्ट ये निकलेगा, यानी कि उसकी कल्पना करते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे रिसर्च के अंदर होता है, जो भी हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसका थोड़ा सा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसकी हम कल्पना करते हैं पहले ही। और उसके बाद आता है दोस्तों शोध की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि रिसर्च डिजाइन। अब देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो काम है किस तरीके से होगा, और यानी कि उसे पूरे अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा रिसर्च के अंदर होता है रिसर्च डिजाइन, हमें पूरा डिजाइन करते हैं कि किस तरह से हमें रिसर्च करनी है। उसके बाद होता है दोस्तों नमूना चयन, यानी कि सैम्पलिंग। उसके बाद जैसे कि हमें रिसर्च करनी है तो उसमें किन किन लोगों को शामिल करना है, किन किन एलिमेंट्स को लेना है, वो सारी चीज़ें होती है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग, यानी कि रिसर्च के अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला स्टेप आता है हमारा सामग्री इकट्ठा करना, यानी कि डेटा कलेक्शन, यानी कि सैम्पलिंग लेने के बाद में हमें ये जरूरी है कि हम अपनी रिसर्च का पूरा डेटा इकट्ठा करें। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 7 पे परिकल्पना परीक्षण, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखिए हमने ये जो 3 नंबर पे हाइपोथेसिस बनाई थी, जो हमने कल्पना की थी, तो नंबर स्टेप पे जाके हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस पर हम देखते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, अपनी जो कल्पना है उसको देखते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों नंबर 8 पे सामान्यकरण तथा व्याख्या करना, यानी कि उसके बाद हमने ये देखे नंबर स्टेप पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली, यानी कि हमने अपनी परिकल्पना को देख लिया कि कैसे ये सही जा रही है गलत जा रही है। उसके बाद उसे हम जनरलाइज करते हैं, उसे हम थोड़ा सिंपली वे से देखने की कोशिश करते हैं, उसे सामान्य करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है दोस्तों हमारा निष्कर्ष, यानी कि हमने ऊपर 8 जो स्टेप फॉलो किए उससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के आया है, और उसमें हम ये रिजल्ट निकलते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो रिसर्च
वो सही है या गलत है, यानी कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है हमारी जो रिसर्च है उससे। उसके बाद में दोस्तों अगर हमारी रिसर्च गलत है तो हम उस पर दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं, और अगर हमारी रिसर्च सही है तो वो है कि वो हमारी फाइनल रिसर्च हो जाती है और उसकी हम रिपोर्ट बनाते हैं और आगे फिर भेज देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी सिंपल रिसर्च होती है। और ये आप ये जो स्टेप है सारे के सारे स्टेप आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, और आप ना लिखने की कोशिश करना बार बार याद करके और बिना देखे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है साइंटिफिक रिसर्च। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम भी दिया हुआ होगा, लेकिन आपको ये देखना कि उन्होंने सिंपल रिसर्च पूछी हुई है या फिर साइंटिफिक रिसर्च पूछी हुई है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस आता है, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरीज। और अगर आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण और सिद्धांतिकरण, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह की रिसर्च होते हैं, उनके क्या क्या स्टेप होते हैं। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ, ये है हमारी दोस्तों एक्शन रिसर्च। अब देखिए एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं, इसके अंदर जैसे हिंदी में बात करें तो योजना निर्माण, सबसे पहले योजना का निर्माण करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन और फिर परीक्षण और फिर विमर्श। और इंग्लिश में इसे देखें तो सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये चार चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, और इसी से आपका काम बन जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करना दोस्तों, बार बार लिख के इसको देखना कि आपको याद रहता या नहीं रहता। नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक बार पढ़ ली, हमें ये लगता है हाँ ये तो मेरे को याद है, ये तो मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा, लेकिन एग्जाम के अंदर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले एक्ट था या फिर प्लान था, क्या था, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आगे देखते हैं दोस्तों शोध निबंध के तत्व, यानी कि जो शोध निबंध होता है उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके भी जो स्टेप हैं वो थोड़े अलग हैं। अब इसमें देखिए शोध निबंध में क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर साहित्य पुनर्वीक्षण होता है, फिर शोध प्रणालियाँ होती है, फिर परिणाम और फिर चर्चा और निष्कर्ष, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि शोध निबंध क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आगे की जो वीडियो होगी कि शोध निबंध क्या होता है, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर स्टेप की बात चल रही थी हमारी, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी स्टेप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन और फिर लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, फिर है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी दोस्तों नंबर 6 पे रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट। अब इसके अंदर होता है इंट्रोडक्शन, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं आप, प्रस्तावना, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रविधि, निष्कर्ष, उपहास और संस्तुति, ठीक है। तो ये मेन छह तरह की रिसर्च थी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, वो कभी शोध निबंध में से क्वेश्चन दे देगा, कभी एक्शन रिसर्च में से क्वेश्चन दे देगा, और तो कभी सिंपल रिसर्च। तो इन सभी के जो स्टेप है वो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल के क्या होंगे और साइंटिफिक के क्या होंगे, और वो कन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर किसी दोस्त को इस वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, हम उनके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग करने वाले हैं रिसर्च के अंदर, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, व्हाट इज सैम्पलिंग। इन ए रिसर्च टर्म, ए सैम्पल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइटम दैट आर टेकन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग एक लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर किसी चीज़ का समूह हो सकता है जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से लिया जाता है। और इसे देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलते कि एक गाँव के अंदर पढ़े लिखे 1000 लोग हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे हुए 1000 लोग हैं, और हमें ये देखना है कि इनके अंदर जो पढ़े हुए लोग हैं उनके अंदर दहेज के प्रति उनकी क्या सोच है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हर एक इंसान से जाके मिलेंगे, हम क्या करेंगे कि उन 1000 लोगों में से हम 60-70 लोग या 100 लोग इकट्ठा करेंगे, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग लेंगे हम और उनसे राय जानेंगे कि आपकी दहेज के प्रति क्या राय है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैंपलिंग लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है टोटल पॉपुलेशन में से हम कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं सैंपल के रूप में उनकी राय जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सैंपलिंग रिसर्च में कितने प्रकार की होती है और किस तरह से ये यूज होती है। अब देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने 5th क्लास से लेके हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि एक थैला है, थैले के अंदर 10 बॉल रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर लाल भी है, नीली भी है और पीली भी है, उसमें से हमें 4 बॉल निकालनी है तो नीली होने की संभावना क्या होगी, तो वो इस तरह के सवाल करते थे, तो आपको शायद पता होगा प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। और नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। अब देखिए हम इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि
क्लास में लॉटरी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करना है। मान के चलते कि एक कंपटीशन है और उसके अंदर हमें बच्चे चाहिए अपनी क्लास में से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब 30 बच्चे हैं, अब हम किसी अगर डायरेक्टली किसी एक बच्चे को लेंगे या 4-5 बच्चों को लेंगे तो दूसरे बच्चे हैं वो हो सकता है नाराज़ हो जाए कि हमें नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे कि एक लॉटरी सिस्टम बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसमें जिसका भी नंबर आएगा, जैसे पर्ची रख देंगे एक डिब्बे के अंदर 30 पर्चियाँ रख दी और उसमें कहेंगे भाई जो भी 5 पर्चियाँ निकलेगी जिसके भी नाम की और उसे हम लेके जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लॉटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें दोस्तों सभी को इक्वल चांस होते हैं सैंपल बनने के, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसमें पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगली आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की विपरीत है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं कहीं अपनी मर्जी के अनुसार सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सभी बच्चों के शामिल होने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हम दोबारा फिर एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर हमें बच्चों का सिलेक्शन करना है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जो बच्चा साइंस के अंदर और मैथ के अंदर ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, उस बच्चे को हम लेंगे, ठीक है। तो क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन बच्चों के साइंस में और मैथ में ज्यादा नंबर आते हैं तो उनको हम अलग से निकालेंगे। तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से बच्चे लेने हैं। और आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में किस किस तरह के टाइप होते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग आता है। रैंडम सैम्पलिंग मैंने बताया दोस्तों, हम इसमें रैंडम तरीके से चुनते हैं, जैसे कि वही कि 30 बच्चों की क्लास है और 30 में से हमें कोई 5 बच्चे लेने हैं तो हमने कोई भी 5 बच्चे उठा लिए बगैर कुछ देखे भाई इसे कितना आता है और कितना नहीं आता, ये काला है या गोरा है, कैसा है, लड़का है लड़की है, कोई कुछ भी हमने नहीं देखा, बस सीधे उनको उठा लिया। और आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आगे आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम डिसाइड कर देते हैं भाई जो हमारे पास 50 बच्चे उसमें से हर 5वां बच्चा हम लेंगे और वो 5वां बच्चा हमें नहीं पता लड़का है लड़की है और कौन है कैसे हमें नहीं पता। हमने एक सिस्टम डिसाइड कर दिया कि हर 5वां 10वां 15वां 20वां यानी कि 5-5 बच्चे छोड़ के हम बच्चा लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि उसके अंदर हमने एक सिस्टम बना दिया। आगे आते हैं दोस्तों हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा समझने की जरूरत है और ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन में से अलग अलग सह जाती है होमोजेनियस ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप में से हम सैंपल लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि 900 लोगों की जनसंख्या है, ठीक है, और हमें कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 300-300 लोगों का जो ग्रुप है वो अलग बना देंगे। इसमें सबसे पहले जो बच्चे हैं 18 साल तक के उनको हमने अलग बना दिया, अलग ग्रुप कर दिया। उसके बाद में जो 18 साल से ज़्यादा के आदमी हैं उनका हमने अलग बना दिया और फिर जो महिलाएँ हैं महिलाओं का ग्रुप हमने अलग बना दिया। यानी कि होमोजीनियस क्या होता है दोस्तों, जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं, और हेटरोजीनियस कहते हैं जो अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके जो गुण वगैरह है वो अलग हो। तो यहाँ पे जो 18 साल तक के बच्चे उनको अलग कर दिया हमने और जो आदमी है 18 साल से ऊपर के वो हमने अलग कर दिए और जो महिलाएं हैं उनको हमने अलग कर दिया, ठीक है। और अब देखिए अब इनमें से जो सैंपल है वो फिर हम जो बच्चे हैं उनमें से रैंडम तरीके से सेलेक्ट करते हैं, जो आदमी है उनमें से अलग और जो महिला है उनमें से अलग तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लासेस दी जा रही हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इस सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है जिन्हें क्लस्टर बोला जाता है। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है, इनका नेचर विजातीय यानी कि हेटरोजीनियस होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड होती है और फिर उन ग्रुप्स में से हम रैंडम तरीके से सैंपल इकट्ठा करते हैं। अब देखिए इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश खेलने वाले हमें एक टोली मिलेगी, जगह जगह टोली मिलेगी, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि एक गांव के अंदर 6 टोली बनी हुई है जो ताश खेलने वालों की। और अब देखिए जो ताश खेल रहे हैं उसके अंदर सभी अलग अलग लोग होंगे ना, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है, तो वो सभी अलग अलग होंगे, उनकी उम्र भी अलग अलग हो सकती है, यानी कि वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे हेटरोजीनियस हो गए, यानी कि सभी के जो गुण हैं वो अलग अलग है। अब उन सभी अलग अलग गुण के जो ग्रुप है उनमें से हम रैंडम तरीके से कोई भी दो जो ग्रुप है वो उठा लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या था, आगे आता है दोस्तों हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और आगे देखते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सैंपल के चुनने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती। अब देखिए सबसे पहली जो हमारी सैम्पलिंग आती है इसके अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना इस सैंपल के अंदर आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अब हम मान के चलते हैं कि गांव के अंदर जो महिलाएं हैं
तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और वो उन अत्याचार के खिलाफ क्या कर रही है, इसके लिए हमें एक रिसर्च करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर हम घर घर जाके, यानी कि 10 घरों में एक घर में जाके हम उन महिलाओं से बात करें, या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ना, हम मंदिर के अंदर जाएंगे, ठीक है, मंदिर के अंदर चलेंगे शाम को, और वहीं पर जो 20 महिलाएं आएंगी उन्हीं से हम बात कर लेंगे, हम घर घर नहीं जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखी, अपनी सुविधा देखी, ठीक है, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो सैम्पलिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए अगली आते हैं हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। अब देखिए कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा सैंपल कितना लेना है, ठीक है। जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमें एक रिसर्च करने है, उसमें हमें पता करना है कि जो बच्चे और महिलाएँ हैं उनको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। तो इसमें हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि जो महिलाएँ हैं उन्हें हम केवल 30% महिलाओं को शामिल करेंगे, और जो बच्चे हैं उनको हम 70% शामिल करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं भाई जो महिलाएँ हैं वो कितनी होगी और जो बच्चे हैं वो कितने होंगे। और अगली आती है दोस्तों हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है स्नोबॉल, यानी कि जो बर्फ का गोला होता है जब उसे बर्फीले इलाके में फेंका जाता है तो क्या होता है कि उस बर्फ के साथ और भी बर्फ मिलती हुई चली जाती है। देखिए इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक गांव के अंदर गए, हमें वहां पर नशा करने वाले युवाओं के बारे में जानना है कि कितने जो लड़के हैं वो नशा करते हैं और उनके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए हम किसी के पास जाएंगे तो वो डायरेक्टली तो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ, मेरे पे ये इफेक्ट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बंदे के पास जाएंगे जो नशा करता है और जिस पे हमें और उसको हम पे विश्वास है, ठीक है। हम उसके पास जाएंगे और उससे पता करेंगे कि तेरे गांव के अंदर कितने लोग, कितने लड़के हैं जो नशा करते हैं, ठीक है, और उसी से हम जानेंगे कि कितने लोग नशा करते हैं, उनमें से कितने लोगों की जो सेहत है वो खराब होगी, कितने और कितने युवाओं हैं उनका कैरियर खराब हो गया। तो यानी कि एक ही व्यक्ति से काफी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। और यहां पर मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप ये पढ़ लेना। और आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की सैंपलिंग में हम सैंपल को पहले अच्छे से जज करते हैं, उसके बाद ही सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सैंपल लेने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि इसे नॉलेज है या नहीं, ये हमारी रिसर्च के लायक है या नहीं, यानी कि पूरी तरीके से उसको हम जज करते हैं और उसके बाद हम उस सैंपल को अपनी रिसर्च के अंदर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मुख्य रूप से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स थे, और इनमें से क्वेश्चन काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास की हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों रिसर्च के अंदर एक और चीज़ है जो बार बार हमारे सामने आएगी, वो है हाइपोथीसिस। इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथीसिस क्या होती है और हाइपोथीसिस के कितने प्रकार है, नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेटेड हाइपोथीसिस के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइपोथीसिस होती क्या है। देखिए अगर हम हिंदी में इसका जाने तो ये होता परिकल्पना। परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बनी है, परि तथा कल्पना। अब देखिए परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ होता है चिंतन, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में चारों ओर से सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं परिकल्पना। अब रिसर्च के अंदर इसका मीनिंग क्या है, इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित तो समस्त समाधान पर विचार करना है। अब देखिए रिसर्च के अंदर आपको पता है कि हम एक समस्या लेते हैं और उस समस्या के बारे में हम पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी ये समस्या है तो इसका ये समाधान हो सकता है, ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो मान के चलते आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हम पहले से ही संभावना लगा लेते हैं कि जो नेट का एग्जाम है वो इस तरीके से होगा और हमारा जो अब की बार नेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। कई दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि अब की बार मेरा GRF क्लियर हो जाएगा और दोस्तों को पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, यानी कि पहले से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये होने वाला है। और जैसे कि हम किसी भी तरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही संभावित परिणाम जान लेना वो होता है परिकल्पना कहते हैं, यानी कि पहले से ही कल्पना कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हमने दिया हुआ है। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हाइपोथीसिस के अंदर किस तरह के टाइप होते हैं। और यहाँ पे जैसे इन्होंने परिकल्पना की परिभाषा भी दी हुई है, यहाँ पे परिकल्पना की परिभाषा पढ़ सकते हैं। जैसे कर्लिंगर ने दिया है, परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। अब देखिए हर जो थिंकर है उन्होंने अपने तरीके से परिकल्पना को समझाने की कोशिश की है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनमें से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कर्लिंगर से एक बार क्वेश्चन आया था, एंड हर्ट से क्वेश्चन आया था, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। अब हम देखते हैं दोस्तों कि परिकल्पना के प्रकार किस तरह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारी आती है साधारण परिकल्पना। अब देखिए साधारण परिकल्पना में क्या होता है, साधारण परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें चरों की संख्या मात्र दो होती है और इन्हें दो चरों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे नाम से पता चल रहा है ये बिल्कुल सिंपल होती है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं और उन्हीं के बीच में हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो उनके सीखने में प्रभाव पड़ता है, वो और अच्छे तरीके से सीखते हैं। और
यहाँ पे सीखना तथा पुरस्कार दो चर हैं, ठीक है, और जिनके बीच एक विषय से संबंधित चर्चा की गई है, जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है, यहाँ पे भी हमने दो चीज़ें ली हैं। तो इस तरह की जो हाइपोथीसिस होती है वो सिंपल हाइपोथीसिस होती है। अगली आती है दोस्तों हमारे पास जटिल या कॉम्प्लेक्स हाइपोथीसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से जिसमें दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो से अधिक अधिक चर होते हैं उसके अंदर हम रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया, आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, यानी कि इसके अंदर आपने देखा कि दो से अधिक है। एक तो देखिए बच्चे ने आइसक्रीम खाई और बीमार हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये दो वेरिएबल हो गए इसके अंदर। और फिर क्या हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, बच्चा क्या कि स्कूल नहीं जा पाया, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तीन वेरिएबल हमारे पास हो गए। तो जहाँ पे दो से अधिक चरों की बात की जाए तो उस हाइपोथीसिस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथीसिस कहते हैं। और अब आते हैं दोस्तों हमारे पास सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल हाइपोथीसिस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त और अर्थात परिकल्पना का स्वरूप एक जैसा हो, यानी कि ऐसी परिकल्पना जो हर समय और हर क्षेत्र में एक जैसी लागू हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का जैसे नाम से ही पता है कि जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लागू हो उसे कहते हैं। अब देखिए उदाहरण स्वरूप, पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अब देखिए ये कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारा टेक्निकल फील्ड हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे कैसा भी फील्ड हो, अगर हम किसी को प्राइज देंगे, किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें सीखने की प्रक्रिया होगी वो तेज होगी। और ये चाहे आप अमेरिका में कर रहे हो, चाहे इंडिया में कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, ये हर जगह लागू होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो हर जगह और हर टाइम पे लागू हो। अब देखिए अगली आती है हमारे पास एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। अब देखिए यूनिवर्सल के अंदर हमने बात की थी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो हर जगह हर टाइम पर लागू हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो हर जगह और हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती, वो कुछ व्यक्तियों के लिए लागू हो सकती है। और अब इसमें देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो पुरस्कार की बजाय दंड से सीखता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बच्चा ऐसा जो दंड से है। अब कक्षा के अंदर जैसे मान के चलते हम 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से 30 के 30 बच्चे ऐसे नहीं है कि जो सभी को मार कुटाई की जाए तो वो सीखे, लेकिन उनके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल मारने से ही सीखते हैं। जैसे एक बात कही जाती है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जब उनको डांटा जाता है, उनको पीटा जाता है, तब वो काम करके लेके आते हैं। तो इस तरह की जो हाइपोथीसिस होते हैं उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग हाइपोथीसिस कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह की होती है। आगे दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो हाइपोथीसिस है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास नल हाइपोथीसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस, और इन्हें हिंदी में कहते हैं शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। इनके बारे में अच्छे से पता होना हमें जरूरी है। अब देखिए एक चीज इसके अंदर हम बताते हैं कि इनके बारे में सबसे पहले प्रोफेसर आर ए फिशर ने बताया था, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज इनके अंदर हमें देखना जरूरी है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको एच जीरो से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच वन और एच ए से संबोधित किया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। अब देखिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस देखते हैं। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। अब देखिए यहाँ पे जो शोध परिकल्पना है इसे हम वैकल्पिक परिकल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस शोध परिकल्पना यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ठीक विपरीत होती है। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, नल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास अगर दो या दो से अधिक चर है तो उनके अंदर हमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता, वो हमें इक्वल नजर आती है। अब देखिए इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए देखिए जैसे एक तो हमारे पास साइंस के स्टूडेंट है और दूसरी तरफ अपने पास आर्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, तो अब इनके उपलब्धियों में हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी होगी नल हाइपोथेसिस, यानी कि हमें इन दोनों की नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं लगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस है, ये दोनों इक्वल है। आगे हम देखते हैं दोस्तों वैकल्पिक परिकल्पना। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है। अब ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है ये नल हाइपोथेसिस के उल्टी होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ऊपर के ही उदाहरण को देखते हैं हम, ये देखिए जैसे ऊपर के ही उदाहरण को देखते हैं हम, इंटरव्यू लेने पर हमें पता चलता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में काफ़ी अंतर है। ये देखिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में हमने पहले क्या देखा कि एक टेस्ट लेके देखा था तो उसमें साइंस और आर्ट के जो बच्चे थे उन दोनों के इक्वल इक्वल नंबर आए थे, ठीक है, तो उस बेस पे हमने कहा था कि ये नल हाइपोथेसिस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बार हमने क्या किया कि दोनों तरह के साइंस के बच्चों और आर्ट के बच्चे इन दोनों का हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने से हमें पता चला कि जो साइंस के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस हो गई। ठीक, हाइपोथेसिस के बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है दोस्तों एरर इन रिसर्च। अब एरर इन रिसर्च करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह के एरर होते हैं दोस्तों, एक होता है टाइप वन एरर और एक होता है टाइप टू एरर। अब देखिए टाइप वन एरर क्या होता है, इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो बैड क्वालिटी। अब
देखिए, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क आप सभी को पता है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पीना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब रिसर्च की जाए या फिर कहीं पर हम देखें तो अगर रिसर्च हमें ये बताएं कि जो मिल्क है दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा टाइप वन एरर। यानी कि किसी अच्छी चीज़ को अगर रिसर्च गलत बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और आगे हम देखते हैं कि टाइप टू एरर क्या होता है। टाइप टू एरर के अंदर क्या होता है, इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बैड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो दिस गुड क्वालिटी देन वी से इट टाइप टू एरर। अब देखिए, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी खराब प्रोडक्ट को अगर रिसर्च अच्छी क्वालिटी का बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप टू एरर कहते हैं। अब देखिए, टाइप टू एरर के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि शराब का एग्जांपल लेके चलते हैं, हम सभी को पता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन कई लोग और रिसर्च हमें ये देखने को मिल जाएगी जो कहेगी कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बियर पीना स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी खराब प्रोडक्ट को रिसर्च ये कहेगी ये तो अच्छी क्वालिटी का है तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइप टू एरर बोला जाएगा इसे। और इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जो रेड कलर में, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। देखिए, टाइप वन एरर हैपन व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथीसिस, यानी कि जब ट्रू नल हाइपोथीसिस को गलत बता दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं। अब वही बात है कि जो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट को जब गलत बता दिया जाता है तो वो क्या होगा, टाइप वन एरर होगा। यानी कि नल हाइपोथीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो होगा टाइप वन एरर। अब देखिए, टाइप टू एरर हैपन व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स हाइपोथीसिस, यानी कि जब हम खराब प्रोडक्ट को खराब ना कहे तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइप टू एरर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने टाइप वन और टाइप टू एरर अच्छे से समझाने की कोशिश की है और हाइपोथेसिस भी हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हमें आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते। हम इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अंदर रिसर्च पेपर डिज़ाइन की, कि ये किस तरीके से किया जाता है और इसके क्या क्या स्टेप हैं, और उसके बाद हम करने वाले हैं वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। तो इस वीडियो का पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से आज तक काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इंडियाज नंबर वन स्टडी ऐप NTA UGC NET यानी NIMEZINET, फ्री स्टडी नोट्स और वीडियोज, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च पेपर डिज़ाइन की, यानी कि शोध पत्र क्या होता है और ये किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, और आप चाहे तो ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हिंदी में हमने लिखा हुआ यहाँ पे सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। देखिए, रिसर्च पेपर क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट MPhil या PhD में एडमिशन लेता है तो उसे PhD में एटलीस्ट दो रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। रिसर्च पेपर हम कह सकते हैं कि 5 पेज से लेकर 10 पेज तक का भी हो सकता है, इससे कम ज़्यादा थोड़े बहुत पेज हो सकते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये एक पत्रिका में या फिर हमारी कोई भी सेमिनार वगैरह है उसके अंदर हमें प्रेजेंट करना होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर कोई और किसी भी तरह की रिसर्च के बारे में हम अपने विचार लिखते हैं, किस व्यक्ति ने क्या काम किया है और हम क्या करने वाले हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, यानी कि अपने विचार उसके अंदर हम प्रकट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसका जो शोध पत्र होता है दोस्तों, इसकी कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता कि ये इस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, कोई स्पेसिफाई नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान दिया जाता है। एक होती है प्रस्तावना होती है, उसके बाद में विषय वस्तु या जिसे हम बॉडी कह सकते हैं, मुख्य अंग होते हैं, उसके बाद होता है दोस्तों शोध के प्रमुख निष्कर्ष। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रस्तावना में क्या होता है, शोध की समस्या की स्पष्ट रूप में परिभाषा दी जाती है, यानी कि जो शोध हम करने वाले हैं या कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और ये चीज़ आपको पहले भी पता है, शोध का प्रमुख खासियत प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी जो शोध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास विषय वस्तु, उसके अंदर क्या होता है, शोध प्रपत्र का रूप रचनात्मक तथा आलोचनात्मक होना चाहिए। अब ये चीज़, दो चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये जो हमारा शोध पत्र होता है दोस्तों, वो क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और आलोचनात्मक होना चाहिए। यानी किसी बंदे ने पहले जो काम किया है उसकी हमें आलोचना करनी चाहिए, यानी कि हमें ये समीक्षा कह सकते हैं। समीक्षा का और आलोचना का थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ कि जो उसने काम किया उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें, दोनों बातों का हमें जिक्र करना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी के अच्छे और बुरे कामों का अवलोकन करना क्या कहलाता है, आलोचना कह सकते हैं या फिर समीक्षा कह सकते हैं। अब देखिए, प्रपत्र के रचनात्मक पक्ष में शोध की प्रमुख क्रियाओं को क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है रचनात्मक क्रिएटिविटी वाला जो पक्ष होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसमें शोध की प्रमुख एक्टिविटी होती है उनको हम लिखते हैं। और अब देखिए, आलोचनात्मक पक्ष में शोध में कार्यों एवं निष्कर्षों का विवेचन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वही बात है कि आलोचनात्मक पक्ष में क्या करते हैं कि जो कार्य किए हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं, उन पर हम विचार करते हैं, भाई ये निष्कर्ष सही है या गलत है, किस तरीके से है। और आगे है कि इस अंक का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जो कुछ शोध में किया है उसको प्रस्तुत किया जाए, यानी कि सारी बातें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं कि क्या हुआ है रिसर्च के अंदर।
अब देखिए शोध निष्कर्ष, लास्ट में शोध निष्कर्ष होता है, उसमें क्या होता है यानी कि इसके अंदर हमने जो रिसर्च किया उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष हम देते हैं कि हमने ये किया है, यानी कि उसका रिजल्ट हम देते हैं। और आगे क्या होता है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अब देखिए आगे आता है हमारे पास कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों, कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम फिजिकल कह सकते हैं या फिर मेंटली एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और हम बातचीत भी करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि सबसे मेन जो चीज़ होती है दोस्तों कार्यशाला के अंदर वो होती है एक्टिविटी की होती है, वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है, यानी कि प्रायोगिक कार्य को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अधिकतर कार्यशालाएं निमंत्रित सदस्यों द्वारा आरंभ की जाती है, यानी कि इसके अंदर पहले इन्वाइट किया जाता है लोगों को, तब जाके वर्कशॉप हमारी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे आप पूरे आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको दे दिया जाएगा, जो हमारे पेड मेंबर है उनको दे दिया जाएगा। और हम देखते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर क्या होता है। आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास सेमिनार आता है, सेमिनार संगोष्ठी भी कहते हैं, इसमें से भी कई क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमें कंपेरिजन करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक तो होती है हमारी संगोष्ठी यानी कि सेमिनार, और दूसरा होता है हमारा कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इनमें हम थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी। संगोष्ठी क्या होती है दोस्तों, एक जैसे एक कमरा है, कमरे में 30 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या होगी दोस्तों, संगोष्ठी या सेमिनार कह सकते हैं हम उसे। और जो कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है दोस्तों, वो होता है बड़े लेवल पे होता है, यानी कि जैसे रैली कह सकते हैं हम, नेता लोग जो रैली करते हैं उसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। और अब हम देखते हैं इनमें ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए कि संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर की जाती है। अब आई बात समझ में दोस्तों, कि जो सेमिनार होता है वो छोटे स्तर पर होता है, जैसे कि उसके अंदर 30 से 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन जो होता है, वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, उसमें हजारों लोग होते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है। अब देखिए जो सेमिनार होता है उसमें सीमित लोग होते हैं, वही बात आ गई कि इसमें सम्मेलन की तरह हजारों लोग नहीं होते, इसमें लिमिटेड लोग होते हैं, और ये औपचारिक प्रकृति की होती है। अब देखिए औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल और औपचारिक अनौपचारिक में हमें पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आए हैं पहले। अब देखिए इसका मतलब क्या है, औपचारिक प्रकृति की होती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलते कि सेमिनार के अंदर हमारे पास 50 लोग हैं, ठीक है, तो जब हम सेमिनार कर रहे हैं तो उन 50 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आंखों में आंखें मिला के बातें कर सकते हैं, 50 लोगों के साथ हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी औपचारिक होगी। उसके अंदर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो हमारे सदस्य हैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, औपचारिक प्रकृति कहेंगे। ठीक है, हमारा सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन में जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है। इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है, एक तो बड़े लेवल पे होता है, हो सकता है उसके अंदर 1000 लोग हो, यानी कि बड़े लेवल पे होगा, और अनौपचारिक प्रकृति का कैसे होगा, इसके अंदर देखिए जब 1000 लोग होंगे, जगह 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 बैठे हुए हैं, तो हम उन सभी के साथ ना ही तो अच्छे से आंखों में आंखें मिला सकते, ना ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते, और कोई पीछे जो बंदा बैठा वो क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, हमें नहीं पता, यानी कि इसके अंदर जो है हम अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, अनौपचारिक प्रकृति का होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है, और इसमें से यही क्वेश्चन आए थे दोस्तों पहली बार, कि जो सम्मेलन है वो औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, वो वाइड होता है या स्मॉल होता है, किस तरीके से होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखना जरूरी है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर किसी दोस्त को कोई भी बात समझ में ना आए तो वो हमसे पूछ सकता है फिर भी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सम्मेलन समूह के व्यक्तियों के ज्ञान अनुभव विचार भावनाओं एवं राय को एक समान उद्देश्य के लिए सलाह मशविरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लोग आते हैं मंच के ऊपर और वो अपना ज्ञान अनुभव, अपने विचार भावनाएं और जो राय होती है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, यह एक प्रकार की सभा होती है जहाँ सदस्य अपने ज्ञान संग्रह करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये चीज थोड़ी समझने की है, यहाँ पे ज्ञान का संग्रह करते हैं। अब सम्मेलन के अंदर क्या है कि हजार लोग आए हुए होंगे, ठीक है, तो हजार के हजार लोग तो उसके अंदर नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे 10-20 लोग बोलेंगे, और जो और लोग हैं वो ज्ञान का संग्रह करेंगे, यानी कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उनका संग्रह करेंगे। ये थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस होता है। और लेकिन सेमिनार जो होता है, सेमिनार के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, यही क्वेश्चन पेपर में आती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या है, आगे है दोस्तों हमारे पास परिसंवाद यानी कि सिंपोजियम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना हो तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठकर उस विषय पर वार्तालाप करना होता है। ठीक है, यानी कि परिसंवाद के अंदर क्या होता है कि काफ़ी लोगों को बैठकर किसी समस्या के ऊपर एक निर्णय लेना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिसंवाद या सिंपोजियम कहते हैं। इस वार्तालाप को परिसंवाद का नाम दिया जाता है। विस्तृत अर्थ के रूप में परिसंवाद सामूहिक निर्णय लेने की एक तकनीक है, यानी कि वह आगे ना, यानी कि जो ग्रुप के अंदर कोई निर्णय लेना, कोई डिसीजन हमें लेना है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिसंवाद कहेंगे, जिससे अधिकांश अथवा सभी लोग उस निर्णय के पक्ष में हों, यानी कि हमें ऐसा डिसीजन लेना होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पक्ष में हों।
तो ये चीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर। और इसके जो इवनिंग का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या जवाब देना है। अब सबसे लास्ट में आता है दोस्तों हमारे पास शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं एवं प्रारूप। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये गलती है इस नाम की, ये दोस्तों फॉन्ट चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों जब हम पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो सह का शय बन जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है, तो ये थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे शोध प्रबंध यानी कि रिसर्च डेजर्टेशन तथा थीसिस राइटिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थीसिस और डेजर्टेशन क्या होती है, शोध प्रबंध क्या होता है। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंध डेजर्टेशन या थीसिस कहलाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पीएचडी स्टूडेंट अपने पीएचडी लिखता है, कंप्लीट करता है, जो एक ग्रंथ या एक जो बुक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। उसने जो रिसर्च की होती है उसका उसके अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, उसने क्या काम किया है, कौन से जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए हैं और क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है, यानी कि इसी के द्वारा व्यक्ति को पीएचडी की डिग्री दी जाती है। और भी इसमें अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एमफिल तथा पीएचडी की डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार की गई किताब जिसमें तथ्य संग्रहित रहते हैं। अब वही बात आ रही है दोस्तों, एमफिल और पीएचडी करने के लिए जो हमें एक बुक टाइप में लिखनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे थीसिस राइटिंग या रिसर्च डेजर्टेशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर किस तरह से काम होता है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या स्टेप होते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, एक प्राइमरी पोस्ट यानी कि जो नंबर वन जो स्टेप होता है, और फिर होता है मेन बॉडी ऑफ थीसिस राइटिंग, इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें आती है जो भी हमने काम किया है वो है, और फिर होता है विवियोग्राफी। अब देखिए इनको हम थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं हर एक स्टेप को। अब देखिए जो मेन सबसे पहला जो पार्ट होता है प्राइमरी पोस्ट होती है, उसके अंदर क्या होता है, हम जो टाइटल पेज लिखते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसका टाइटल क्या है, और उसके अंदर अपना नाम वगैरह भी आता है, और उसके अंदर वो भी लिख सकते हैं कि हम किसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, अपने विश्वविद्यालय का नाम वगैरह आता है। उसके बाद होता है दोस्तों अप्रूवल लेटर, यानी कि जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं थीसिस, तो हमें एक अप्रूवल लेटर लेना होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो होता है इसके अंदर। फिर होता है टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में ये होता है कि हमने जो चैप्टर बना रखे हैं कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर, जैसे हम बुक के अंदर किताब के अंदर देखते हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेसन दिया हुआ है, वही इसके अंदर होता है। और फिर होते हैं दोस्तों एनोलेजमेंट, और फिर लिस्ट ऑफ टेबल यानी कि हमने कौन कौन सी टेबल यूज़ की है वो होता है इसके अंदर। और फिर लिस्ट ऑफ ग्राफ यानी कि हमने अगर कोई ग्राफ वगैरह बना रखा है तो वो इसके अंदर डालेंगे। लिस्ट ऑफ प्लेट यानी कि जो चित्र वगैरह जो भी हमने यूज़ किया वो इसमें डालेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों समरी, यानी कि ये जो होता है इस पेज की समरी आती है उसके अंदर लास्ट में। अब देखिए अगला पार्ट आता है नंबर दो पे हमारे पास मेन बॉडी ऑफ थीसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन देते हैं, जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि जो हम पीएचडी करने वाले हैं इस पे क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या लोगों ने काम किया है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद में रिसर्च डिज़ाइन यानी कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हमने डेटा किया है लिया है उसका हम विश्लेषण करते हैं। फिर हम इसके अंदर रिसर्च अचीवमेंट वगैरह देखते हैं यानी कि शोध की हमारी उपलब्धियाँ क्या क्या है और क्या निष्कर्ष निकला है और उसको जनरलाइज करते हैं हम। उसके बाद आता है सजेशन एंड रिकमेंडेशन यानी कि हमने जो रिसर्च की है उससे हम क्या सजेशन देना चाहते हैं लोगों को वो इसके अंदर आएगा सजेशन के अंदर। उसके लिए सबसे लास्ट में आता है हमारे पास वीडियोग्राफी एंड इंडेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है रेफरेंस, फिर होता है अपेंडिक्स, फिर होता है इंडेक्स और फिर होता है एब्रीवेशन। अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से होता है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। रेफरेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई यानी कि हमें अपनी थीसिस लिखने के दौरान कुछ कुछ बातें किसी दूसरी बुक से किसी राइटर की उठानी पड़ती है तो वो हमें रेफरेंस के अंदर देनी होती है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो ए से शुरू होने वाले जो शब्द है वो क्या है, उनकी कौन से पेज नंबर पे क्या कंटेंट दिया हुआ है वो होता है इंडेक्सिंग होता है। ये आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास इंडेक्सिंग और एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ग्राफी दी जाती है जिसके अंदर ये चीजें मुख्य रूप से होती है। और ये था हमारा दोस्तों शोध प्रबंध यानी कि थीसिस राइटिंग। और दोस्तों अगर इसमें से आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च इथिक्स की। अब देखिए रिसर्च इथिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान नैतिकता। सबसे पहले हम इसका सिंपली भाषा में मतलब समझ लेते हैं कि रिसर्च इथिक्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए इथिक्स का मतलब समझे तो नैतिकता होता है यानी कि हम कोई भी काम करें तो उसके अंदर हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना जरूरी होता है। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सैंपल वगैरह इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी नैतिकता यानी कि ईमानदारी दिखाना जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि जो हम सैम्पलिंग इकट्ठा करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके अंदर था जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग वगैरह था, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से सैम्पल इकट्ठा करते हैं। तो इस दौरान काफ़ी तरह की
जो गलतियाँ हमारी रिसर्च के अंदर आ जाती हैं उन सभी से बचने के लिए रिसर्च एथिक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसर्च एथिक्स के अंदर क्या होता है। अनुसंधान नैतिकता का आशय अनुसंधान के प्रदत्त संकलन यानी कि जो सैंपल इकट्ठा करते हैं तथा विवेचन के चरण में संगत माना जाता है। ये वही बात आ गई जब हम डेटा कलेक्शन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे शोध रिपोर्ट को रिपोर्ट करना, समस्या का प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा हिंदी में आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है ये, तो इनका सभी का मतलब यही है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं और जो समस्या का चुनाव कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में हमें रिसर्च एथिक्स का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, रिसर्च एथिक्स के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, परिणाम व विधियाँ। हमें पूरी ईमानदारी के साथ जो आंकड़े वो इकट्ठे करने चाहिए और जो परिणाम निकले वो भी हमें बिल्कुल सही दिखाना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी रिसर्च में अगर नेगेटिव परिणाम निकल रहे तो हम उनको पॉजिटिव तरीके से दिखाई, नहीं, जो सच्चाई है वही हमें दिखानी चाहिए और जो विधियाँ हैं वो भी हमें, जो एक्यूरेट विधियाँ हैं वही यूज़ करनी चाहिए। ये ना हो कि जो हमें सही लग रही है, जो हमारे लिए आरामदायक है, वो नहीं करनी चाहिए। जो हमारी रिसर्च के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। और फिर आता है पूर्वाग्रह एवं भ्रांति धारणों से बचना चाहिए। अब देखिए, हम रिसर्च कर रहे हैं किसी समस्या को लेकर, तो हमारे मन के अंदर भी कभी काफ़ी तरह की बातें होती हैं कि ये बात तो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। नहीं, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, हमें रियल में ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमें रियलिटी पे चलना है, अपने पूर्वाग्रहों से बचना है। हमारी जो थिंकिंग है वो हमें इसमें ज़्यादा यूज नहीं करनी। और आगे है व्यक्तिपरकता से मतलब है कि हमें किसी व्यक्तिगत नहीं होना अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ आ रही है इसके अंदर, जैसे ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, पूर्वाग्रह, व्यक्तिपरकता, ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आते हैं। शाम का जो अपना मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर आप देखना, इन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आप ध्यान से इनको देख लेते तो बहुत आसानी से आप पेपर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना। वही आ रही है कि हमें पूरा सीरियस होकर काम करना है, ये नहीं है कि हम इग्नोर करते चले जाए सारी चीज़ों का, नहीं। और अप्रकाशित डेटा मेथड का यूज़ नहीं करना। हमें ऐसा किसी भी डेटा और मेथड का यूज़ नहीं करना जो ऑथेंटिक नहीं है या अप्रकाशित, यानी कि जो चलन में नहीं है। ऐसा अपनी तरफ से कोई भी ऐसा डेटा या मेथड नहीं लगाना, हमें वही लगाना है जो रिसर्च के अंदर वैलिड है। उसके बाद है स्वतंत्र तथा स्वाभाविक प्रक्रिया। हमें पूरे स्वतंत्र होकर काम करना है, ये नहीं है कि किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करना है। विश्वसनीय प्रक्रिया, हम जो काम कर रहे हैं वो फेथफुली होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। और ज्ञान वृद्धि में सहायक, जो हम काम कर रहे हैं वो किसी के ज्ञान को इंक्रीज करे, ऐसा काम हमारा होना चाहिए। गोपनीय तथा स्वायत्तता का सम्मान। अब देखिए, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई इंसान ये चाह रहा कि मेरा नाम है वो रिसर्च के अंदर नहीं आना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम जैसे किसी गांव के अंदर गए, वहाँ नशा करने वालों पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आए वो कहे कि मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन नशा करता, क्या क्या इफेक्ट पड़ा, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो हमें उनकी गोपनीयता का सम्मान करना जरूरी है। और आगे कलात्मक तथा सृजनशील प्रक्रिया, यानी कि हमें इसके अंदर क्रिएटिव होना पड़ेगा, नई नई चीज़ें निकाल के लेके आनी पड़ेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। मानवीयता का गुण, इसमें मानवीयता का गुण होना चाहिए। और आगे भविष्य हेतु, हम जो कार्य कर रहे हैं वो भविष्य में यूजफुल होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो यूजफुल ना हो। अब देखिए, रिसर्च करने के दौरान हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या एरर आ सकते हैं। सबसे पहले एक काल्पनिक अवधारणा है। अब वही बात है जो मैंने पहले बताई कि हमें अपनी थिंकिंग नहीं लगानी है, कल्पना नहीं करनी है कि ये तो ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये होगा। हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन उसे टेस्ट भी करना है, ठीक है। परिकल्पना हम कर सकते हैं, हाइपोथेसिस हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल और केवल कल्पना के अनुसार हम अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। ये हिंदी में कुछ और बन गया दोस्तों, फॉन्ट की दिक्कत है। औचित्यपूर्ण, यानी कि जो औचित्यपूर्ण होना चाहिए, औचित्यपूर्ण अब क्या कहें ये थोड़ा मेरे को नहीं पता, औचित्यपूर्ण क्या होता है, यानी कि वही होता होगा कि सही तरीके से हमें करना चाहिए। अब वही बात आ गई पूर्वाग्रह एवं पक्षपात, हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें वही है कि हम दो लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम 10-10 लोगों के बीच में कर रहे हैं तो हम दोनों जो 10-10 की जो हमने टीम बनाई है दोनों से हमें इक्वल क्वेश्चन करने हैं, इक्वल व्यवहार करना है। ये नहीं है कि 10 लोगों के साथ अच्छा किया और दूसरे 10 लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो यानी कि जो पक्षपात है वो नहीं होना चाहिए। प्रदूषित तथ्य, यानी कि जो हमारे तथ्य हैं वो बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, वो खराब तथ्य नहीं होने चाहिए। और देखिए, हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए। भ्रांतियां, जैसे हम किसी गांव में जाएंगे और वहां पे अगर किसी को बुखार हो गया, कुछ और बड़ी बीमारी होगी, तो लोग कहेंगे कि इसमें तो भूत घुस गया, इसमें तो ये हो गया, वो हो गया। तो हमें भ्रांतियों से बचना चाहिए, हमें रियलिटी देखनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। और इसके अलावा और भी काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर किसी दोस्त को ये नोट्स चाहिए और उन्होंने अगर अभी तक हमारा जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब देखिए, अब आता है हमारे पास डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। देखिए, हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डेटा हम किस किस तरह से एक्वायर करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डेटा इज डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड रिसोर्स।
इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर जो होता है शोधकर्ता अपनी तरफ से डायरेक्टली नए तरीके से वो डेटा लेता है, बिल्कुल फ्रेश डेटा लेता है। इसके अंदर जैसे सर्वे की हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी कि अपनी तरफ से एकदम फ्रेश डेटा जो लिया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कहते हैं। और इसके बाद आता है जैसे हमारे पास सेकेंडरी डेटा। अब देखिए सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी डेटा इज ए टाइप ऑफ डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन। अब देखिए सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है कि ऐसा डेटा जो पहले से ही उपलब्ध है, पहले से ही प्रकाशित है, उसको जब इकट्ठा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि बुक्स होगी, न्यूज़पेपर होगी, मैगजीन होगी, इनके अंदर किसी समस्या के बारे में बताया गया है, किसी ने रिसर्च किया है, तो वहां से जब हम तथ्य उठाते तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे हम आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, देखिए ऑनलाइन जैसे वेबसाइट वगैरह जाते हैं, वेबसाइट वगैरह पे जाके हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डेटा हो गया। तो इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। अब देखिए नॉमिनल स्केल क्या होता है, यहाँ पे हमने इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में समझाएंगे। अब देखिए नॉमिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल आर यूज फॉर लेवलिंग वेरिएबल विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है उनको हम लेवल के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते। और देखिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह के फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर जेंडर, हमें अपना जेंडर बताना है, मेल है हम फीमेल है, व्हाट इज़ योर हेयर कलर, हेयर कलर हमें बताना है, व्हाट वेयर यू लाइव, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लेवल होते हैं, इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव की बात नहीं करते, हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं, गुण पूछते हैं अगले का भी, आप में क्या गुण है, आप मेल है या फीमेल है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होता है, ए गुड वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज दैट नॉमिनल साउंड ए लॉट लाइक नेम। अब देखिए नॉमिनल स्केल को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि यह नेम के जैसी साउंड आ रही है। इसके अंदर नेम और नॉमिनल यानी कि दोनों को दोनों एक जैसे से है। एंड नॉमिनल स्केल आर काइंड ऑफ लाइक नेम और लेवल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि नॉमिनल स्केल को हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम नेम या फिर लेवल के द्वारा रिप्रेजेंट करें उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। और इसमें से कई क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो ये आप अच्छे से कर लेना, अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आगे इसमें किस तरह के स्केल आते हैं। आगे आता है दोस्तों हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। अब इसके अंदर क्या होता है, एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट लुक्स एट वेरिएबल वेयर द ऑर्डर मैटर व्हाट द डिफरेंस डू नॉट मैटर। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल के अंदर, इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके अंदर हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि ये किस ऑर्डर का है, लेकिन उनके अंदर हमें ये नहीं पता कि डिफरेंस कितना है, किस चीज़ के अंदर कितना डिफरेंस है ये हमें नहीं पता होता। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा एग्जांपल है, हाउ डू यू फील टुडे, आप आज कैसा फील कर रहे हैं, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इस तरह के भी आपने स्किल देखे होंगे, फॉर्म देखे होंगे जिनके अंदर हमें फीडबैक जब दिया जाता है तो तब आते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता कि अब इन दोनों के अंदर, एक और दो के अंदर कितना डिफरेंस है, और हैप्पी और वेरी हैप्पी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो ये हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, जैसे नंबर एक पे वेरी हैप्पी, नंबर दो पे अनहैप्पी, नंबर तीन पे ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर जो शॉपिंग वेबसाइट होती है वहाँ फीडबैक लिया जाता है, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर सर्विस, वेरी अनसेटिस्फाई, समवट अनसेटिस्फाई, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। और इनके अंदर वही बात है जो मैंने बताई है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमें नहीं पता होता कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, केवल हमें ऑर्डर का पता होता है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह का आता है हमारे पास। आगे आते हैं दोस्तों इंटरवल स्केल आता है। अब देखिए इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, इंटरवल स्केल आर न्यूमेरिकल स्केल इन विच वी नो बोथ द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। अब देखिए इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्डर भी होता है, दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक तो ऑर्डर होता है, प्लस में हमें इसके अंदर डिफरेंस पता होता है कि कितना डिफरेंस है। अब देखिए इसे भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक तापमान मापने का स्केल लिया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे 20 और 30 के अंदर कितना डिफरेंस है, 50 और 60 के अंदर कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हमें ऑर्डर के साथ साथ इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरवल स्केल कहेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं इसे। अब देखिए सबसे लास्ट में आता है हमारे पास रेशो स्केल। रेशो स्केल आर द अल्टीमेट निर्वाणा व्हेन इट कम टू डेटा मेजरमेंट स्केल बिकॉज दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर। अब देखिए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी जिक्र करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, दे टेल एस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स एंड दे आल्सो हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो रेशो स्केल होता है दोस्तों, उसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कितना है जो हम स्केल होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं। अभी देखिए जो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल के अंदर आप कहीं भी देख लेना, इनके अंदर आपको 10-10 का अंतर मिलेगा, ठीक है, लेकिन
यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो रेशो स्केल होता है, रेशो स्केल के अंदर हम एक एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रखेंगे इसके ऊपर तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि 9 किलो 50 ग्राम या इतना है, जो भी है एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी जिक्र करते हैं, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर यही एक क्वेश्चन आया था अभी, जो पिछले क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट जीरो के बारे में कौन से स्केल के अंदर जिक्र किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब देखिए कि जो नॉमिनल स्केल है उसके अंदर हम केवल लेवल की बात करते हैं, केवल लेवल की बात करेंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल स्केल है उसके अंदर हमारे पास लेवल भी होगा और प्लस में ऑर्डर भी होगा, ठीक है। और जो तीसरा जो स्केल होगा दोस्तों, इंटरवल स्केल होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लेवल भी होगा, ऑर्डर भी होगा और एग्जैक्ट डिफरेंस भी हमारे पास होगा, इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें होंगी। और जो चौथा जो होगा दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास लेवल भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है और एग्जैक्ट डिफरेंस भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर तीनों चीज़ें हो सकती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर नॉमिनल और ओरिजिनल स्केल के गुण हो, तो वो क्या होगा, इंटरवल स्केल होगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद करने की जरूरत है। पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमारे नए सिलेबस के अंदर आए हैं। दोस्तों अब हमें नए पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि 2019 के अंदर हमारा सिलेबस है वो अपडेट हुआ था, तो उसी के अनुसार हमें स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो अपग्रेड हुए हैं, चेंज हुए हैं, नए ऐड हुए हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ेगी आसानी से। इंडिया नंबर वन स्टडी ऐप NTAUGCNET यानी NIMIZINET फॉर स्टडी नोट्स और वीडियोज, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर नया ऐड हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे 25 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन आया था, द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज सुमेटेड रेटिंग स्केल इज। अब हमें ये बताना कि इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल कौन सा है जो सुमेटेड रेटिंग स्केल के इक्वल होता है, वो हमें बताना है। यहाँ पे इन्होंने चार ऑप्शन दिए, गुडमैन स्केल, लाइकर्ट स्केल, थर्स्टोन स्केल और एमएलए स्केल। तो इसमें हमें बताना है दोस्तों, यहाँ पे हमें इन तीन स्केल के बारे में हमें पता होना चाहिए। एमएलए स्केल कोई होता ही नहीं है, एमएलए फॉर्मेट होता है जो हमने रेफरेंसिंग वो देखा था, फॉर्मेट देखा था उसके अंदर होता है, तो ये नहीं होता, एमएलए कोई स्केल नहीं होता। लेकिन गुडमैन, लाइकर्ट और थर्स्टोन ये तीन तरह के स्केल होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब की बार इन्होंने जैसे मान के चलते कि इन्होंने लाइकर्ट स्केल के बारे में पूछा है, तो हो सकता है जून 2020 के अंदर ये गुडमैन स्केल के बारे में पूछ ले, तो इन सभी स्केल के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, जो एटीट्यूडनल स्केल है मुख्य रूप से चार तरह के होते हैं, इसमें थर्स्टोन स्केल है, गुडमैन स्केल है, लाइकर्ट स्केल है और फिर सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल है। तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्केल आता है दोस्तों हमारा, वो आता है यहाँ पे थ्रेस्टोन स्केल आता है। और एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे यह कि ये चारों के चारों जो स्केल है वो गुणात्मक अनुसंधान के अंदर उपयोग होते हैं। गुणात्मक कौन सा होता है दोस्तों, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं उसके अंदर ये होते उपयोग। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है हमारा थ्रेस्टोन स्केल। थ्रेस्टोन स्केल आर आल्सो कॉल्ड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। अब देखिए यहीं पे बात आ गई ना, यहीं पे सवाल उठता है कि इसको क्या नाम से और भी पुकारा जाता है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो स्केल है क्यों यूज़ किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, इट इज़ यूज टू ट्रैक रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग, यानी कि किसी भी उत्तरदाता का जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसकी जो फीलिंग है, उसको ट्रैक करने के लिए ये स्केल यूज किया जाता है। और उसके बाद है दोस्तों, दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर इशू और टॉपिक, यानी कि किसी इशू और टॉपिक के बारे में एक स्टेटमेंट तैयार कर ली जाती है। ईच स्टेटमेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट है उसके उसको हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं हम। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि आपकी क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है, तो उसका हम आगे लिख देंगे कि 5, आपका जो टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसके अंदर लिख देंगे आगे 5 नंबर उसको हमने दे दिए, ठीक है। आपका टीचर बहुत मारता है, उसका हमने स्केल में मान लो जो वैल्यू है वो दे दी कि जैसे 7 दे दी, इस तरीके से हम कुछ वैल्यू देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडिकेट द रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवर्ड द टॉपिक एज फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी उसके पक्ष में और विपक्ष में इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। तो और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसी के अनुसार क्या होता है, रिस्पोंडेंट इंडिकेट द स्टेटमेंट दैट दे एग्री विद एंड एन एवरेज इज कंप्यूटेड। तो इस तरीके से दोस्तों वो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, और जब हम किसी से पूछते हैं और उन सभी का काउंट करते हैं हम कि टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई है, उसी के अनुसार ये टेस्ट यूज़ किया जाता है और उसी के अनुसार रिजल्ट निकाला जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। आप ये देखिए, ये हमने इंग्लिश में दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे ये देखिए, जो स्टूडेंट हिंदी में है हिंदी वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिवादी के व्यवहार, दृष्टिकोण या भावना को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपको नेट और जेआरएफ अच्छे से क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। कई स्टूडेंट को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो कईयों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने मिक्स लैंग्वेज यहाँ पे दिए, आप आसानी से इसे समझ सकेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारा गुडमैन स्केलिंग।
अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं गुडमैन स्केलिंग। गुडमैन स्केलिंग आल्सो कॉल्ड स्केलोग्राम एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे हर जो स्केल है उसके दो दो नाम आपको मिलेंगे और ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप स्केलोग्राम एनालिसिस कहते हैं गुडमैन स्केल को, आपको पता होना चाहिए। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आइटम कैन बी अरेंज अलोंग ए कंटिन्यूम इन सच ए वे दैट ए पर्सन हु एग्री विद एन आइटम और फाइंड एन आइटम एक्सेप्टेबल विल आल्सो एग्री विद और फाइंड एक्सेप्टेबल ऑल अदर आइटम। देखिए मैं आपको ये हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी विचार होता है, कोई आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है, और उसको एक निरंतरता के साथ निर्धारित किया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक वस्तु से सहमत है या किसी वस्तु को स्वीकार करता है तो वह क्या है कि अन्य जो स्टेटमेंट है उनको भी वह स्वीकार करेगा। अब देखिए इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसके अंदर जैसे यहाँ पे चार चीज़ें इन्होंने दी है कि टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है, नंबर दो बच्चों को अश्लील टीवी को देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नंबर तीन टेलीविजन स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशनों पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ठीक है, चौथा है हमारे पास सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्रामों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है, ये होगी चार। अब देखिए अब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है वो नंबर चार से सहमत है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्रामों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो इंसान स्टेटमेंट नंबर फोर से एग्री है तो वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नंबर एक दो और तीन से भी एग्री है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें सरकार प्रतिबंध लगा रही है, जिसको सरकार रोक रही है, तो वो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है वो समाज के लिए हानिकारक है, वो बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों को उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए जिस चीज को सरकार प्रतिबंध कर रही है, तो सीधी सी बात है वो बच्चों के लिए भी हानिकारक होगी। और फिर क्या होगा दोस्तों कि जो स्टेशन प्रबंधक है उसको भी अपने जो कार्यक्रम है उस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट से जो तीन और स्टेटमेंट है हमारी ये इनकी भी स्वीकृति मिलती है, इनकी भी हमें हामी मिलती है, तो यानी कि एक स्टेटमेंट के सही होने से अगर और भी स्टेटमेंट सही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं गुडमैन स्केल कहते हैं, यह है आसान भाषा में इसका मतलब। और यही चीज हमने बिल्कुल यहां पे इंग्लिश में लिखी हुई थी, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है लाइकर्ट स्केल है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड द सुमेटिड रेटिंग स्केल। अब देखिए इसे भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, हर किसी को दो दो नाम से पुकारा जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है वो चीज हम पढ़ लेते हैं यहां इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ते हैं हम नीचे यहां पे, जैसे कि किसी विषय के संबंध में कई कथन विकसित किए जाते हैं। अब देखिए कोई बात होती है उसके बारे में कई चीज़ें निर्धारित की जाती है, उत्तरदाता दृढ़ता से सहमत हो सकता है, तटस्थ हो सकता है, असहमत हो सकता है। अब देखिए इसको भी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये देखिए हमने इस तरह के जो क्वेश्चनियर है वो बहुत देखे होंगे, सर्वे देखे होंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे लाइकर्ट स्केल का एक एग्जांपल दिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओनली यूएस सिटीजन शुड बी अलाउड टू ऑन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। अब इसे एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कहा जाए कि सरकार को अश्लील कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए, ठीक है, तो जनता से राय मांगी जाए, तो इनमें से अगर कोई व्यक्ति राय देना चाहे कि वो स्ट्रॉन्ग एग्री है कि उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, फिर है एग्री हाँ थोड़ा बहुत सहमत है, फिर है नेचुरलाइज, और फिर है डिसएग्री कि नहीं मैं सहमत नहीं हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इनको बंद करना चाहिए, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग डिसएग्री इसका मतलब है कि नहीं बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से अपनी राय उस पर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनर आपने बहुत देखे होंगे शायद, मेरे को लगता है इस तरह के आते रहते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट जो होते हैं जिसमें हमें काफी ऑप्शन होते हैं सहमत असहमत होने के, स्ट्रॉन्ग एग्री डिसएग्री वगैरह के, तो उसे हम क्या कहते हैं लाइकर्ट स्केल कहते हैं। ये चीज आपको पता होना जरूरी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। और कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारा जो लास्ट है सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अदर कॉमन यूज स्केलिंग प्रोसीजर इज द सिमांटिक डिफरेंशियल स्केल। अब इसके अंदर एक और चीज जो हमें याद रखनी जरूरी है वो क्या है कि इसे किस किसने दिया था, ये देखिए ओसगुड सुसी और टेनुबुआम, ये पता नहीं क्या है दोस्तों मेरे से बोला नहीं जा रहा, ठीक है कोई नहीं, इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। और इसके बाद में ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसको किसने दिया था, एक ओसगुड था, सुसी था, टेनुबुआम ने दिया था 1957 के अंदर दिया था। ये तीनों के तीनों नाम हमें याद होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आ चुका है, मास कम्युनिकेशन इन चारों स्केल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो हो सकता है पेपर फर्स्ट में भी इनका जो फाउंडर है यानी कि जिन्होंने इनको विकसित किया है उनके बारे में पूछ ले, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि रुकिए मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ पहले। To use the technique, a name or concept is placed at the top of series of 7-point scale anchored by bipolar attitude. यानी कि यहाँ पे किसी भी जो मुद्दा है या फिर कोई विचार है उसको एक 7 point के अंदर डिवाइड किया जाता है और bipolar attitude होता है उसके, यानी कि दो पहलू बनाए जाते हैं। चलिए इसको भी ना मैं आपको एक example के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एक example दिया हुआ है कि sample form for applying the semantic differential scale, यहाँ पे sample दिया हुआ है कि यहाँ पे trustworthy और untrustworthy यानी कि विश्वसनीय और अविश्वसनीय, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना मार्क कर सकता है कि वो विश्वसनीय कितना है क्या नहीं है। तो इस तरह के ये देखिए यहाँ पे बाइपोलर हो गया ना, एक पोल ये हो गया और एक पोल यहाँ पे ये हो गया, बाइपोलर हो गया। और ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के अंदर आया था दोस्तों, जो मास कम्युनिकेशन का सेकंड पेपर का एग्जाम था, कि जो बाइपोलर एटीट्यूड है वो किसके अंदर यूज किया जाता है। और ये चीज हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हो सकता है पेपर फर्स्ट के अंदर भी ये चीज पूछ ले। और इसके अंदर एक कई चीजें दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आप चीजें पढ़ लेना। और उसके बाद में दोस्तों
अगर आप चाहे तो ये हमारा नोट्स ले सकते हैं। हमने पेपर फर्स्ट की सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हमने बना रखे दोस्तों। और इसके साथ साथ हम पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं आपको, जैसे हम ओल्ड पेपर दे रहे हैं 2012 से दिसंबर 2019 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं और विद टॉपिक वाइज, जैसे आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन आज वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के अलग करके हैं, कम्युनिकेशन के अलग करके हैं। इस तरह से आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना तो कर सकता है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे पट्टी पे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अंदर APA MLA शिकागो स्टाइल के बारे में। इनमें से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेफरेंस होता क्या है, इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए जब भी हम PhD वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर हमें यह देना होता है कि हमने जो वर्क किया है वो कहाँ कहाँ से लिया है, जो रेफरेंस जो लिया है वो कहाँ से लिया है। जैसे कि हम कोई अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं और उसी बात से रिलेटेड पहले किसी ने बात कह रखी है तो वो अपनी रिसर्च में हम इंक्लूड करते हैं, तो उसके बारे में जो ब्यौरा देते हैं उसे हम रेफरेंस कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे काफ़ी तरह की बातें होती है। एक तो ये होता है कि जो हम रेफरेंस देते हैं उससे हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल हो जाती है, वो ऑथेंटिक हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो आगे आने वाले रिसर्चर है वो रिसर्च करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड और किसी ने रिसर्च कर रखी है। तो इस तरीके के रेफरेंस आपने कई बुक वगैरह में देखे होंगे, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे APA स्टाइल, MLA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों रिसर्च के अंदर पेपर फर्स्ट में मुख्य रूप से APA MLA और शिकागो स्टाइल के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले APA स्टाइल के बारे में क्या होता है। APA स्टाइल सबसे पहले 1929 के अंदर यूज किया गया था और ये मुख्य रूप से बिजनेस, क्रिमिनल और इकोनॉमिक्स लॉ जैसे सब्जेक्ट है उनमें ज्यादा यूज किया जाता है। और अभी जो पेपर हुआ था जून 2019 का, उसके अंदर ये पूछा गया था कि APA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इन्होंने ये इन्वेंट किया था, इन्होंने ये बनाया था, तो ये हमें पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म भी। और अब देखते हैं कि इसमें पहले कैसे क्वेश्चन आया और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि APA स्टाइल आखिर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों ये हमने यहाँ पे हिंदी में दे रखा है और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप जो भी देखना चाहिए देख सकते हैं, आपको वीडियो भी दे दी जाएगी जो हमारे पेड मेंबर है। अब इसे समझने के लिए हम इंग्लिश का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए इन्होंने ये पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा APA स्टाइल है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये जो चारों ऑप्शन है ये लगभग आपको देखने में सेम लगेंगे और हमें ये देखना है कि APA स्टाइल में कौन सा है, तो इनमें आपको बहुत माइनर फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए सभी के अंदर शर्मा वी 2010 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू दिल्ली टाटा मैक्रो के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके अंदर ब्रैकेट है, इसके अंदर ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज है जो आपको देखने की जरूरत है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, डी हमारा ऑप्शन नंबर है, इसके अंदर क्या है 2010 के बाद देखिए आप इस तरीके का ये डैश लगा हुआ है, ठीक है, और लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक माइनर बहुत छोटा सा फर्क इसमें देखने को हमें मिल रहा है और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी के अंदर देखिए आप ये भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन अब देखिए कंप्यूटर साइंस के बाद इन्होंने यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बाद में इस तरीके से इन्होंने डैश लगाया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा APA स्टाइल होता है उसका फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए APA स्टाइल का हमने फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो भी लेखक का नाम होता है उसमें सबसे पहले लास्ट नेम आता है और फिर फर्स्ट नेम आता है। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि विक्रम शर्मा है किसी का नाम, विक्रम शर्मा नाम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, विक्रम शर्मा में जो शर्मा नाम है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद में उसका फर्स्ट नेम आएगा, यानी कि विक्रम। अब देखिए विक्रम के अंदर भी जो पहला अक्षर है वी वो ही हम लिखेंगे, पूरा विक्रम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे इस तरीके से, ये चीज़ आप देख लो दोस्तों, डॉट लगाएंगे ना कि इस तरीके से डैश नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद दोस्तों हम ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम ईयर लिखेंगे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर हम ईयर लिखेंगे, फिर दोबारा डॉट लगाएंगे, फिर बुक का टाइटल लिखेंगे जो भी पब्लिकेशन हमारा है वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद में पैलेस लिखेंगे कि कहाँ से ये छपा है, कहाँ से हुआ है, और फिर पब्लिकेशन का मतलब है कि किसने ये प्रकाशित किया है, किसने ये प्रिंट आउट किया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहीं पे एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कुमार, और जैसे राजेश कुमार हो गया, तो राजेश कुमार में कुमार सबसे पहले आ गया, इसका लास्ट नेम पहले आ गया और राजेश का आर आ गया, फिर हमने ईयर लिख दी 2015 और डॉट लगा दिया, और फिर इफेक्ट ऑफ टीवी फिर डॉट लगा दिया, फिर कहाँ से पब्लिश हुआ है, रोहतक से पब्लिश हुआ है, और किसने पब्लिश किया, अजंता पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। अब देखिए यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, और एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ इसके अंदर जो ये देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में डॉट नजर आएंगे, और लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये डबल डॉट इस तरीके से होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये डैश होगा इस तरीके का, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आप इनमें भी देख सकते हैं कि इसका यही ऑप्शन क्यों आया है, यही आंसर क्यों आया है, ये आप अच्छे से देखना, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न दिया हुआ है, ये UGC नेट ने खुद कन्फ्यूज़न दिया हुआ है जो थोड़ा सही नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने APA स्टाइल के बारे में पूछा हुआ है, ये देखिए इंग्लिश के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट, इन्होंने कहा है कि APA स्टाइल लिखने का स्टाइल क्या है बेसिक, वो हमें बताना है। अब देखिए इन्होंने ये इसका आंसर ये है BCD, पहले ही मैं बता देता हूँ इसका आंसर। बी में क्या है, इन्वेंटर ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट, चलो ये अच्छी बात, अभी लास्ट नेम पहले आना चाहिए, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी,
इटैलिसाइज टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक एंड जर्नल। इन्होंने कहा कि बुक और जर्नल का जो नाम है वो हमें इटैलिक करके लिखना है। इटैलिक का मतलब समझते हो ना दोस्तों, इस तरीके से टेढ़ा करके लिखना है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने सभी के अंदर बी ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर भी यही दिया हुआ है यूजीसी नेट ने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बुक का नेम है वो हमें इटैलिक करके लिखना होगा। चलो हम मान लेते हैं भाई इटैलिक करके लिखना है आपकी बात, ठीक है। लेकिन अब जो हमने क्वेश्चन ऊपर ये पढ़ा इसमें आप ये बता दीजिए कहीं भी इटैलिक है, कहीं भी नाम इटैलिक नहीं दिया हुआ। और आप चाहे रियल रियल जो पेपर वो देख लेना, अगर मैं यहाँ पे रियल पेपर दिखाता तो वो काफ़ी धुंधला होता, आपको अच्छे से ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने टाइप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं भी इटैलिक नहीं दिया, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो बुक का नेम होगा वो इटैलिक होगा। तो देखिए यूजीसी नेट है वो खुद गलती कर रहा है, एक के अंदर इटैलिक करके दे रहा और दूसरे के अंदर इटैलिक करके नहीं दे रहा। तो ये छोटी सी एक गलती है यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज करता हुआ आ रहा है। तो हमें क्या करना, अब हमारी बात आती है दोस्तों, हमारी यही बात आती है दोस्तों, अगर किसी ऑप्शन में इटैलिक दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें वही ऑप्शन राइट करना है। अब जैसे मान के चलते हैं, यही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऐसे सिंपल दिया है और बी के अंदर ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस इटैलिक करके दिया हुआ है तो हमें उसी पे टिक करना है, ठीक है। और सारी चीज़ें वही रहेगी जो ये रहती है। अब देखिए तो दोस्तों छोटी सी ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि यूजीसी ने खुद हमें कंफ्यूज किया है, अगर वो इटैलिक दे तो इटैलिक वाले पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट है वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा कि लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, ईयर बुक वगैरह वो सारी चीज़ बिल्कुल सही आएगी ए पी एस स्टाइल के अंदर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए, हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाए आपके दिमाग में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं या फिर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा उससे भी आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारा एमएलए स्टाइल आता है। अब देखिए एमएलए स्टाइल के अंदर क्या आता है, इसे सबसे पहले कहते क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो ये आप याद रख लेना। इसको सबसे पहले अमेरिका में 1985 के अंदर यूज़ किया गया था और इसको ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ एंड लिटरेचर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनमें जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे हमने हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब इसे हम समझने के लिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें भी वही बात आ रही है कि ये चारों के चारों ऑप्शन आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन माइनर छोटा छोटा इनके अंदर डिफरेंस है। अब देखिए यही आ गया, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरीके से डैश लगा दिया और इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा डैश नहीं है, डी वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है। अब ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके से ये डैश लगा दिए, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है। तो इन्हीं से हमें सीखना है कि एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए एमएलए स्टाइल के अंदर क्या होता है, एमएलए स्टाइल के अंदर सबसे पहले लास्ट नेम आता है, इसके अंदर भी एपी स्टाइल की तरह लास्ट नेम पहले आएगा, फिर आएगा फर्स्ट नेम आएगा, फिर बुक नेम आएगा, फिर पैलेस आएगा, पब्लिकेशन आएगा और फिर ईयर आएगा। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली कि जो ईयर है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आएगा ईयर, ठीक है। और एपी स्टाइल के अंदर क्या था दोस्तों, एपी स्टाइल के अंदर हमारा जो ईयर है वो फर्स्ट नेम के बाद आ रहा था और ब्रैकेट के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईयर वो लास्ट में आएगा और ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये मेन मेजर डिफरेंस है एपी और एमएलए स्टाइल के अंदर। और एक चीज़ और इसमें आप देख लीजिए कि जो इस तरीके से जो डैश है वो कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, वो हमें देखना है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इन्होंने सही दिया है, तो इसके अनुसार क्या है कि सबसे पहले लास्ट नेम आएगा और फिर इस तरीके से डैश आएगा, कॉमा आएगा, या इसे जो भी कह ले, मुझे एक्चुअल पता नहीं है दोस्तों, और फिर आएगा फर्स्ट नेम आएगा, फिर डॉट आएगा, फर्स्ट नेम के बाद डॉट आएगा, ये देखिए ग्रीन मैंने दिया हुआ, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर बुक नेम आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर पैलेस आएगा और फिर ये डबल डॉट इस तरीके से आएगा, फिर पब्लिकेशन आएगा और फिर ईयर आएगा। और अब ये देखिए ईयर के अंदर इस तरीके का ये डैश है और फर्स्ट नेम के बाद हमारा इस तरीके का डैश है, यानी कि दो बार ये हमें यूज़ करना पड़ रहा है। अब इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए जैसे राजेश कुमार, अब देखिए राजेश कुमार के अंदर हमारा कुमार पहले आ गया यानी कि लास्ट नेम, फिर आ गया राजेश। अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है वो पूरा लिखना है, एपीए स्टाइल की तरह ये नहीं है कि उसका फर्स्ट नेम का पहला अक्षर लिखना वो नहीं है। और आगे क्या है, आगे जैसे डॉट आ गया, डॉट के बाद में इफेक्ट ऑफ टीवी यानी कि बुक का नेम आ गया, फिर रोहतक आ गया यानी कि जहाँ से वो पब्लिश हुआ है, और फिर जनता पब्लिकेशन जिसने उसे पब्लिश किया है वो आ गया, और फिर ये दोबारा इस तरीके से डॉट आ गया, डैश आ गया, और फिर ये आ गया हमारा ईयर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एमएलए स्टाइल होता है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ सकते हैं। बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डॉट कहाँ पर लगेगा, इस तरीके से जो डैश है वो कहाँ पर लगेगा, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। और आगे दोस्तों ये हमने दोबारा फिर ये इनका कंपैरिजन करके दिखा रखा है, ये हमारा ए पी स्टाइल है, ये एमएलए स्टाइल है। और जो एक और स्टाइल जो आता है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, वो है हमारा शिकागो स्टाइल या ट्रेवियन स्टाइल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी लास्ट नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा, फिर जो बुक का नेम है वो इटैलिक आएगा, पैलेस आएगा, पब्लिकेशन आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है।
और इसमें अभी तक वैसे तो क्वेश्चन नहीं आया शिकागो स्टाइल में से, तो फिर भी आप करके देख लेना इनको, ये ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और इसके अलावा और भी हमारे स्टाइल है पब्लिकेशन के, काफ़ी तरह के स्टाइल है, अनगिनत स्टाइल है, और अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हैं दोस्तों। इनमें से जो आप मेनली क्या है कि आप एक बार इनको पढ़ जरूर लेना, इनके जो फुल फॉर्म है वो पढ़ लेना, हो सके क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली इनकी फुल फॉर्म है वो पढ़ लेना। और डिटेल में आपको ये जो दो स्टाइल है हमारे, ये डिटेल में पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये नया टॉपिक है और ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से अभी तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आईसीटी यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिसर्च के अंदर कहाँ कहाँ पर और किस तरह से यूज होता है। अब देखिए मुख्य रूप से जो रिसर्च है उसका 3 जगह पर यूज़ होता है आईसीटी का। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो प्री डेटा एनालिसिस यानी कि जब हम डेटा इकट्ठा करने की शुरुआत करते हैं तब इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस, जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया और उसका एनालिसिस करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। और तीसरा पोस्ट डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा इकट्ठा कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में किस तरीके से आईसीटी का यूज किया जाता है रिसर्च के अंदर, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस। अब देखिए जब हम डेटा एनालिसिस करने से पहले किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए हमें डेटा लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना होगा, लिटरेचर रिव्यू हम तभी करेंगे जब हमारे पास लिटरेचर होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट की है उस पर किन किन लोगों ने काम किया है आज तक, क्या क्या वर्क हुआ है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे, आर्टिकल अवेलेबिलिटी देखेंगे कि हमारे वर्क के ऊपर आज तक क्या क्या आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं और किन किन लोगों ने थीसिस आज तक लिखी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम खोजेंगे, सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में से कंटेंट सर्च करते हैं, लिटरेचर ट्रैकिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लिटरेचर सर्च हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों शोध गंगा आती है, जो नए स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो लेकिन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि शोध गंगा क्या है। शोध गंगा एक इंडिया की ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पे आपको लगभग सभी जो पीएचडी वर्क है वो आपको मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है, क्या आर्टिकल प्रकाशित वहाँ पर कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आता है दोस्तों गूगल स्कॉलर आता है, गूगल स्कॉलर के अंदर आपको पूरे दुनिया के जो शोध वर्क किए गए हैं, रिसर्च वर्क किए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, यहाँ पर भी आपको जो ऑथर वगैरह है वो मिल जाएंगे, एकेडमिक पेपर है वो मिल जाएंगे, जर्नल है वो मिल जाएंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह मिल जाएंगे, यानी कि यहां से आपको अपनी रिसर्च के लिए बहुत सा डेटा मिल जाएगा और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो ऐसे दे देंगे कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर सर्च के लिए यूज नहीं होता या यूज होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में जैसे एक और है मेंडली और उसके बाद में SSRN, तो ये भी हमारे वो कह सकते हैं कि टूल है, ऑनलाइन टूल है जिनसे हम अपनी लिटरेचर सर्च करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास डेटा कलेक्शन। अब बात आती है डेटा कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। ऑनलाइन हम जैसे सर्वे करते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गूगल की तरफ से फॉर्म आता है तो उसमें हम भरते हैं, तो वो गूगल फॉर्म होता है। और गूगल के अलावा भी और भी काफ़ी तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे सर्वे मंकी होते हैं, और इसके अलावा भी कई कंपनियां होती हैं जो सर्वे के लिए फॉर्म बनाती है। तो जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो मुख्य रूप से यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। और एक चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कई दोस्त हमें ऐसे कहते हैं कि सर टोटली जो हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको UGC नेट क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी और बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी नहीं आएगी, तो हमें मिक्स मिक्स करके चलना है। आगे देखते दोस्तों, आगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस यानी कि जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है उसका एनालिसिस करने में किस तरीके से आईसीटी अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए जो हम डेटा इकट्ठा किया उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें हम कई तरह के टेस्ट लगाते हैं, जैसे टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट हो गया, तो इस तरीके के जो टेस्ट लगाते हैं वो किससे यूज किए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, अब ये देखिए ये हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये देखिए स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसे ज्यादातर SPSS के नाम से जाना जाता है और जो लोग PhD कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जब आप PhD करोगे तो आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि SPSS जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज होता है। और उसके बाद आता है जैसे कि R फाउंडेशन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटर, और उसके बाद आता है जैसे MATLAB द MathWorks, ये भी हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर काम आता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसके अंदर हम किस तरीके से अपने जो डेटा हमने इकट्ठा किया उसका हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है SAS स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो इसमें हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और मिनी टैब हो गया, फिर ग्राफिक हमारा ग्राफ पैड प्रिज्म हो गया, तो ये मुख्य रूप से हमारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और उसके बाद जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव के अंदर NVivo होता है, atlas.ti है, ये मुख्य रूप से वेबसाइट है और इन वेबसाइट पर आपको जो टूल है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में SPSS टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, उसके बाद में
ट्रांसाना हो गया, और ये क्या करता है, कैन बी यूज फॉर वीडियो ट्रांसक्राइबिंग इन क्रिएटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो वीडियो होती है उसके अंदर ज़्यादा काम आता है वीडियो एनालिसिस करने में। और इसके बाद में आता है जैसे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी कि जो हमने डेटा एनालिसिस कर लिया उसके बाद में आईसीटी किस तरीके से यूज होते हैं वो हमें देखना है। अब देखिए, हमने अपनी रिसर्च लगभग कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद में हमारा आता है वीडियोग्राफी लिखना। अब देखिए, वीडियोग्राफी लिखना हमने पहले एक टॉपिक किया था, उसके अंदर आपको ध्यान हो तो हमने किया था एपीए स्टाइल किया था, एमएलए स्टाइल किया था, ठीक है। तो अगर वो आप मैनुअली लिखोगे आप, तो उसमें आपके काफ़ी तरह की गलतियाँ हो सकती है। जैसे उसमें हमने देखा था ना, कहीं पर इस तरीके से डैश लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर इस तरीके से लगाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कहीं ईयर के आगे ब्रैकेट लगाना है, तो ये चीज़ें अगर हम मैनुअली करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, जैसे एंड नॉट, जेटेरो, मेंडली, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हमें क्या डालना है, उसके अंदर हमने जैसे पब्लिशर का नाम डाला हमने, और जो ऑथर है उसका नाम डाला, ईयर डाला, जहां से वो प्रकाशित हुई है वो डाली, वो सारी चीजें हमने फिल कर दी, और वो ऑटोमेटिक से वो उसके सीक्वेंस में लगा के हमें दे देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। और आगे दोस्तों, जैसे आर्टिकल, थीसिस, डिसर्टेशन, डिस्कशन। अब हमने कोई भी आर्टिकल लिख लिया, उस पर हमें डिस्कस करनी है, हमें पूछना है किसी से, भाई हमने जो ये लिखा ये गलत है या सही है। तो यहाँ पे जो academia.edu है, रिसर्च गेट है, यहाँ पे हम एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हम अपने डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब है हम वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों प्लेगरिज्म डिटेक्शन। अब देखिए, इस पे एक हमारा क्वेश्चन भी आया था अब की बार, जो जून 2019 का एग्जाम था, उसके अंदर जो प्लेगरिज्म डिटेक्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने पीएचडी लिखी है, जो थीसिस लिखी है, वो कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, कहीं से हमने वैसे ही कॉपी करके पेस्ट तो नहीं किया, तो इसमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट की जाती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमारा ग्रामरली होता है, और जो ग्रामरली है दोस्तों, ये अब भी ज़्यादा चलन के अंदर आए, इसकी आपने ऐड भी देखी होगी फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐड वगैरह देखी होगी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जून 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं grammarly.com ये दिया हुआ, तो ये हमारा सही आ जाएगा। और अब ये देखिए, एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट हमारा किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था, रिसर्च गेट होता है हमारी डिस्कशन करने के लिए, जो हमने थीसिस वगैरह लिखी है उस पर डिस्कशन करने के लिए होता है। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए मुख्य रूप से ये है कि ग्रामरली होगा, आर्टिकल चेकर होगा, ये पता नहीं क्या है, टूर्निटिन हो गया, और फिर डुप्लीकेट चेकर हो गया, ये मुख्य रूप से हमारी वेबसाइट है। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखिए, उसके बाद आता है हमारा जनरल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, यानी कि जो हमने आर्टिकल या जनरल लिख दिया है उसे हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट वगैरह दिए, यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि एल्सेवियर और वीली और फिर सेगा पब्लिकेशन है, यहाँ पे हम अपना पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो हमारे आईसीटी यूज होती है रिसर्च के अंदर, वो हमने बताया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो एग्जामिनर है इन्हीं में से क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दे सकता है, और शायद आप हमें ये कहो कि सर आपने ये तो हमें करवाया नहीं, करवाया हुआ होगा लेकिन हो सकता है वो आपके ध्यान में ना रहा हो, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और दोस्तों, आज हम रिसर्च के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक है हमारा न्यू ऐड हुआ है, और इसमें से दिसंबर 2019 में क्वेश्चन भी आए हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है, ये आसानी से समझ में नहीं आता। और मैंने इस पर रात में काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी, लेकिन कहीं पर भी इसमें अच्छे से नहीं बताया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, और इसके जो पार्ट है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये देखिए, जैसे ये दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसका हमें आंसर देना है, क्वेश्चन को किस तरह से हमें समझना जरूरी है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की, ठीक है। देखिए, इसको हिंदी में प्रत्यक्षवाद कहते हैं, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसको हम उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इसको दो तरह से पुकारा जाता है, एक तो पॉजिटिविस्ट और एक पॉजिटिविज्म, दोनों ही चीज़ एक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म की। इसको समझने से पहले हमें अगस्त कॉमेट के विचारों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उन्होंने यह महसूस किया कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉजिटिव पॉलिसी के नाम से लिखी, इस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में क्या पता पूछ ले। और उसके बाद में दोस्तों, जो अगस्त कॉमेट है, इन्होंने तीन सत्रों का वर्णन किया था, वो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले ये दोस्तों बेसिक चीज़ है, ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा।
अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले धार्मिक स्तर के बारे में बताया था। इस स्तर पे क्या होता है दोस्तों, इस स्तर पर मनुष्य का यह सोचना था कि समस्त चीजें अलौकिक शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, इन अलौकिक शक्तियों के कारण ही घटनाएं घटित होती है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी कुछ होता था तो उसमें ये सोचते थे कि इसमें किसी न किसी देवी देवता का हाथ है, किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। जिस तरीके से पहले बुखार होती थी तो उसमें ये कहते थे कि इसके अंदर माता आ गई है या कुछ और आ गया है, तो हम अंधविश्वास ज़्यादा होता था उस टाइम, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं धार्मिक स्तर। उसके बाद है दोस्तों तात्विक स्तर। तात्विक स्तर के अनुसार क्या होता है, इस अवस्था में इस स्थिति में व्यक्ति एक अदृश्य तथा निराकार शक्ति के अस्तित्व को महसूस करता है। जिस तरीके से भगवान की हम बात करें, भगवान को किसी ने नहीं देखा आज तक, और क्या कि उसके अस्तित्व के होने की हम कल्पना करते कि वो है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्विक स्तर कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों तीसरी जो कंडीशन है हमारी, उसके अंदर क्या है, वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर के अंदर क्या होता है, तीसरी अवस्था ज्ञान की वह अवस्था है जिस स्तर पर वैज्ञानिक सोच पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया जाता है। यानी कि इस स्तर पर आके क्या करते हैं, हम वैज्ञानिक रूप से सोचते हैं। जिस तरीके से वही है ना कि बुखार होगी, तो उसके बारे में फिर वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे कि इतनी ज़्यादा बुखार है, इस क्षेत्र में क्यों फैल रही है, उसका रीज़न क्या है, क्या वायरस आ गए, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक स्तर पे सोचना। और उसके बाद में है दोस्तों हमारे पास इसकी कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये देखिए, ये एक मैं बता देता हूँ पहले ही, ये जो ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, इसमें से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इनके बारे में सबसे पहली ही आती है दोस्तों ओंटोलॉजी, मूल्य मीमांसा। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज रियलिटी, यानी कि रियलिटी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है, उसे ही हम मानते हैं। जैसे व्हाट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो है हमारे सामने उसको हम मान लेते हैं और जो नहीं है उसको हम नहीं मानते। तो ये होता है मूल्य मीमांसा। और इसके अंदर ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में यह और हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाउ डू यू नो, यानी कि आप किस तरह से जानते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल टर्म, एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलोसफी ऑफ नॉलेज और ऑफ हाउ वी नो टू नो, यानी कि हम किस तरह से जानते हैं। नॉलेज ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछ लिया था कि नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं, तो उसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज हम जानते हैं तो किस तरह से जानते हैं, उसके बारे में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का दर्शन है, हम कैसे जानते हैं इसके बारे में हम समझते हैं, हमें दुनिया के हमारे मॉडल और दुनिया को जानने के तरीकों से संबंधित ये बात बताता है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इस बात पे कि दुनिया को, ये देखिए, दुनिया को जानने के तरीकों से संबंधित है कि दुनिया किस तरह से चलती है, क्या करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक्जियोलॉजी, सत्ता मीमांसा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है, जैसे गुड है, बैड है, तो जैसे फीलिंग की हम बात करें तो वो चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक जैसे मूल्यों के बारे में बात की जाती है। जीवन का अर्थ क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए, इनके बारे में ये बात करता है। और उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं। अब हमारी मेन चीज आ गई, हमने जो बेसिक चीजें वो देख ली। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा कि लोग अंधविश्वासी होते थे, उसके बाद में फिर वो थोड़ा और समझने लगे, उसके बाद में फिर वो वैज्ञानिक तरीके से समझने लगे। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम संवेदी अनुभव से प्राप्त जानकारी, यानी कि कोई हमने एक्सपीरियंस किया कोई चीज़, उससे जो जानकारी प्राप्त हुई है, कारण और तर्क के माध्यम से, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कोई बुखार का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर मच्छर ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हर बार बुखार हो जाती है, तो हमें एक अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया भी, जहाँ पर ज़्यादा मच्छर होते हैं वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है, और उसका कारण भी हमें पता चल गया कि जो मच्छर है ना वो बुखार के होने का कारण है, और हमारे पास तर्क भी है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम अपने अनुभव का उपयोग करें, अब उसके अंदर कोई लॉजिक लगाए, कारण लगाए, तर्क लगाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म कहते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़, एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं एक गांव के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति निकल गई, ठीक है, तो लोगों ने क्या कि पूजा पाठ करनी शुरू कर दी वहाँ पे, और बहुत अंधविश्वास वहाँ पे फैल गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक या कुछ समझदार लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे निकल गई, इसका हमें पूरा जायजा लेना है क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि इस जो मिट्टी की ये जो हनुमान की मूर्ति थी उसको खोदा, नीचे से खोदने पर पता चला कि इसके नीचे चने रखे हुए थे, और वो चने क्या थे कि फूलने के कारण ये जो मूर्ति है वो ऊपर की तरफ आने लगी, ये प्रकट होती हुई नजर आई। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लॉजिक लगाया, कारण लगाया, और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें लगा के देखा कि किस वजह से ये ऊपर आई है। अगले क्या हुआ दोस्तों कि जो फ्रॉड लोग थे उनका काम है वो खराब कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने सच्चाई सामने लेके आई। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक तौर से समझने की कोशिश की, अंधविश्वास में नहीं पड़े, इन्होंने साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश की, तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजिटिविज्म कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर किसी भी दोस्त को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पेपर फर्स्ट के सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई दे जाएगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से आपको नोट्स और सारी चीज़ें मिलेगी।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो वैज्ञानिक तरीका है उसे भी, और जो हमारा अंधविश्वास का जो तरीका है, जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह है, जो हम हमारी जो परंपराएं जो चलती आ रही थी, ठीक है, उन दोनों को शामिल किया जाता है इसके अंदर। अब देखिए उत्तर प्रत्यक्षवाद सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वे मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये ना ही तो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है और ना ही सामाजिक तरीके से सोचता है, ये क्या करता है, ये किसी भी मामले को गहराई से जानने की कोशिश करता है कि इसके अंदर रियलिटी क्या है, ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है, और ताकि यह तय किया जा सके कि घटना के पीछे कारण क्या है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए शुरू के अंदर क्या था कि एक ये व्यक्ति था और इसकी जो पैर है वो खराब हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप चल फिर नहीं सकते, इसका जो मोरल है वो बहुत डाउन कर दिया और ये सोचने लग गया कि यार मैं तो अब चल नहीं सकता और अब तो कभी नहीं उठ पाऊंगा। तो ये क्या है कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा ये बीमार होने लग गया, क्योंकि इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने साइंटिफिक रूप से देखा कि ये चल नहीं सकता, ठीक है, तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होने लग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये एक बाबा थे, इस बाबा को एक चीज़ का पता था कि अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना मरे, जिंदा रहे, तो एक वो बिल्कुल बीमार आदमी भी ठीक हो सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बाबा ने क्या किया, इस आदमी को कहा कि तू ठीक हो सकता है, तू चल सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, और इसने क्या कहा कि तू रोज मंत्र पाठ करना, ये करना, वो करना। तो इसने क्या किया कि इस व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाने के लिए इसने कुछ थोड़ा सा अंधविश्वास इसके अंदर डाल दिया कि तेरे को डेली की डेली ये पूजा पाठ करना है और तेरे को ये माला जपनी है, तू एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ कि इसे विश्वास होने लग गया कि हाँ मैं तो ठीक हो सकता हूँ अब और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंदर विश्वास जगने लग गया और इसने क्या किया, कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी और अंधविश्वास भी डाला। तो इस तरीके से करके ये जो व्यक्ति है ये एक दिन बिल्कुल सही चलने लग गया और एकदम बढ़िया ये व्यक्ति हो गया। अब देखिए अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, अब उसने क्या देखा कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा की जो जड़ी बूटी दी हुई थी, बाबा ने जो मंत्र बताए थे उससे ही व्यक्ति ठीक हुआ है, या साइंटिफिक रूप से जो उन्होंने दवाई दी थी उनसे ठीक हुआ है, किससे ठीक हुआ है। अब देखिए बाबा ने तो दोनों चीज़ें दी थी ना, अंधविश्वास भी बताया था कि आपको माला जपनी है, मंत्र पढ़ने, प्लस में इसने मेडिसिन भी दी थी, यानी कि दोनों चीज़ें इन्होंने दी थी। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आया उसने पूरी छानबीन की, पूरी छानबीन की, तो उससे ये पता चला कि व्यक्ति के अंदर मेडिसिन होना तो जरूरी है, ये साइंटिफिक रूप से ठीक है, प्लस में व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए किसी व्यक्ति को हम ये कह दें कि नहीं तू तो कर नहीं सकता, तू तो कर नहीं सकता, या तू तो ठीक नहीं हो सकता, अगर एक व्यक्ति को दिन के अंदर 100 व्यक्ति आके ये बात कहे ना कि तू ठीक नहीं हो सकता, तो वो चाहे दोस्तों कितनी भी मेडिसिन ले ले वो सही मायने में ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीसरे व्यक्ति ने आके ये पूरे मामले को समझा कि चीज़ क्या है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद के साथ अपने अनुभवों को मिलाकर किसी घटना का परीक्षण किया जाता है, वही बात आ गया ना, इसके अंदर दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है, यह सभी सिद्धांत पुनः प्रायोजित है। अब इसका मतलब क्या है कि सभी अवलोकन अस्थिर है, यानी कि ये देखिए जो हमने यहाँ पे साइंटिफिक रूप से इनको कहा गया कि आप चल नहीं सकते, तो ये जो अवलोकन है ना ये अस्थिर है, कोई भी बात यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेट रूप से ये होगी, नहीं, उसके ऊपर हम दोबारा विचार कर सकते हैं, वो बातें चेंज भी हो सकती है, ठीक है। और पुनः प्रायोजित का मतलब भी वही है कि उसके ऊपर दोबारा विचार किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया था हमारा दिसंबर 2019 के अंदर, अभी जो अपना एग्जाम हुआ है उसके अंदर, ये देखिए 4 दिसंबर को आया था, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है, यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है। अब आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसका, अभी हमने पढ़ा है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में भी मैंने ऑप्शन दे रखे, तो आप बताइए क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 3 यानी कि ज्ञान मीमांसा, यानी कि इसका क्या होगा, एपिस्टेमोलॉजी होगा। लेकिन कैसे होगा ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैंने आपको पीछे बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर क्या है कि सामाजिक दुनिया का हम अध्ययन करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये देखिए कहाँ है भैया, ये देखिए इसमें ये ना दुनिया को जानने के तरीके से संबंधित है, यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी, और जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे कि आप देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये देखिए इसके अंदर जैसे ओंटोलॉजी है, ओंटोलॉजी के अंदर हमने क्या बात की थी कि क्या है क्या नहीं है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है उसी को हम सच मानते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है एक्जियोलॉजी, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या था आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये देखिए इसके अंदर हम जो फीलिंग थी या फिर जो वैल्यू थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन बचता है वो हमारा ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी बचता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और दोस्तों अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत
तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स दे रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और दोस्तों उसमें सबसे खास बात यह है कि 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने उसमें दिए हुए हैं, और रिसर्च के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन हमने अलग कर रखे हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि रिसर्च के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कौन से जो रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको पेपर सेकंड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं जून 2019 तक के विद आंसर की आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में आपको क्या फीस देनी होगी और क्या क्या आपको मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की और नोट्स रीड करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये हमारा देखिए जैसे जून 2020 का एग्जाम है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो नए ऐड हुए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा मैं क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पहले कौन सा है। ये देखिए 20 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों ये है टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं कौन सा है, तो ये हमें बताना है दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ दो जो इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, कि इससे पहले हमें तीन तरह की चीज़ें पता होना जरूरी है। देखिए जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है रिसर्च के अंदर तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स, और तीसरा जो होता है टेरिटरी सोर्स होता है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसमें से करीब 3 से 4 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब देखिए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे सके। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी सोर्स आता है। देखिए प्राइमरी जो सोर्स होता है वो हमारा वो सोर्स होता है जो जहाँ से हम बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं कहीं जाके, तो वो हमारा ओरिजिनल डेटा है। और उसी तरीके से जब हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या कहीं पे जाके फोटोग्राफी करते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो सभी क्या है कि वो हमारे प्राइमरी सोर्स है डेटा इंफॉर्मेशन के, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारे लिए डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डेटा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो है बिल्कुल डायरेक्टली रूप से जो आती है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी सोर्स। अब देखिए सेकेंडरी सोर्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जैसे पहले से किसी ने बुक लिखी हुई है उसका हम डेटा लेते हैं, और या फिर पहले से किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे फुटेज वगैरह होगी तो वहाँ से हम लेते हैं। यानी कि पहले से किसी ने रिसर्च करके है या किसी ने डेटा इकट्ठा कर रखा है या बुक लिख रखी है, वहाँ से जब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास टेरिटरी सोर्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के डेटा का यूज किया जाता है। और इसके अंदर जैसे एग्जांपल भी दे रखे हैं यहां पे, आप देख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया, हैंडबुक हो गया, और रेफरेंसेस जो होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर तीसरी तरह के सोर्स के अंदर आती है। और अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा इज, अब हमें बताना कि तीसरी तरह का जो डेटा सोर्स होता है वो कौन सा होता है। इसके अंदर जैसे इन्होंने आंसर दिया आंसर नंबर 3, इसमें देखिए ये इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, वही बात आ गया ना, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा लिया जाता है उसे हम कहते हैं टेरिटरी सोर्स कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। इसके अंदर देखिए प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है। अब देखिए ये सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। अब इसे ये देख लेते हैं एक मिनट, यहाँ पे प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है, इसको हम इंग्लिश में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यही क्वेश्चन। ये शायद यहाँ पे है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ ये रहा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, नरजातीय शोध। अब इंग्लिश में नरजातीय शोध को क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अब हमें ये पता होना जरूरी है कि इथेनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, और ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ, ये 3 बार क्वेश्चन आया है तो इसको समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए इथेनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, इथेनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरह का मेथड है, यह है क्वालिटेटिव मेथड है, वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ए स्टडी पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। यानी कि इस तरह की स्टडीज जिसके अंदर ऑब्जर्वर जो पार्टिसिपेंट कर रहा है उसकी रियल लाइफ की सिचुएशन को एनालिसिस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अंदर अगर हम आसान भाषा में समझे तो किसी की रियल लाइफ से रिलेटेड कोई हम रिसर्च करें, उससे कुछ एविडेंस लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और इस रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहां पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ,
ये यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, इसका इथनोग्राफिक रिसर्च दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि ऐसे कौन से हैं। ये देखिए, ये 24 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब इसके अंदर देखिए, डाक से प्रेषित अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है। अब देखिए, अभी हमने किया था ना प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टेरिटरी सोर्स, ये तीन तरह के सोर्स हमने किए। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, डाक से प्रेषित अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा किस तरह का डेटा है। अब देखिए, इसके अंदर हम डायरेक्टली ले रहे हैं किसी से इन्फॉर्मेशन, साक्षात्कार है, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हमने बताया था कि जहां पे हम डायरेक्टली रूप से इंफॉर्मेशन ले तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सोर्स यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी देखिए, प्राथमिक सोर्स यहां पे इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा और आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, और जो भी आपके विचार हैं अगर आपको अच्छे लग रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन है, ये हमारा ये हम देखते हैं कौन सी ईयर का, ये 24 जून का ही है, 2019 का ही है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है। अब वही बात आ रही है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि ये कह क्या रहा है। देखिए, इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम किसी गांव में गए और वहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग नशा करते हैं और किस तरह से नशा करते हैं। तो उसमें हमने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो उसने कहा भाई हाँ मैं शराब पीता हूँ। ठीक है, तो उसी बात से हम अंदाज़ा लगा के, और अगला जो क्वेश्चन होता है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, वो उससे पूछे बगैर ही हम अपनी ओर से उसको टिक कर दें या फिर अपनी ओर से उसकी रेटिंग निर्धारित कर दें कि जो इंसान मान लो शराब पीता है तो वो सिगरेट भी पीता होगा, अपनी ओर से निर्धारित कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो प्रभाव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर, अब देखिए दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर, वही है ना कि हमने पूछा कि क्या आप शराब पीते हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, वो उसने मान लो रेटिंग दे दी, उसी के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करना, उसी के आधार पर व्यक्ति के अन्य पहलू की रेटिंग जब हम करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, हेलो प्रभाव होता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैंने करवाए थे, ये तीनों के तीनों स्केल मैंने आपको करवाए हुए हैं, गुडमैन स्केल, लिकर्ट स्केल और थर्स्टोन स्केल, ये सभी स्केल मैंने करवाए। अगर इसकी आपने वीडियो नहीं देखे तो वो आप देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर इन्होंने कहा कि सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समकालिक कोटि निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लिकर्ट स्केल कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों डबल ब्लाइंड कहते हैं। यानी कि जो भी कोई ऑब्जर्वर है उसे ये नहीं पता कि जो जिसे प्रयोग कर रहे हैं वो कौन है और जिस ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं तो वो कौन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं दोस्तों। यानी कि कई बार देखिए वही बात आ रही है कि हम जैसे गाँव के अंदर जाते हैं और एक ही शराबी से हम पूछे कि तेरे यार दोस्तों के बारे में बता भाई, कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग नशा करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है इसे क्या कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति पर हमने स्टडी की और उस व्यक्ति की स्टडी किसी अन्य समूह पर लागू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों केस स्टडी कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को स्टडी किया और उसी से जो रिजल्ट निकाला हमने वो अन्य व्यक्तियों पर लागू करें तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी कहते हैं। और ये केवल व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी भी घटना की बात हो सकती है, किसी परिस्थिति की भी बात हो सकती है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन, आगे दोस्तों हमारे पास 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन नंबर 4, निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, जब हम कंटिन्यूसली कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं या फिर कोई तथ्य के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि हर 5 साल के अंदर, जैसे हम मान के चलते हैं कि 1980 के बाद में क्या इफेक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो हर 5 साल के अंदर उसके अंदर हम स्टडी करें देखें तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहेंगे। ठीक है, और आगे है हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, अब वही बात आ गई, ये है हिंदी में, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे कहाँ है भैया, ये रहा हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम द फोकस ऑफ कंसर्न इज एन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब वही बात आ गई ना, हमने सबसे पहले की थी इथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, जहाँ पे हम रियल सिचुएशन, किसी व्यक्ति की रियल सिचुएशन से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 7, 17 पेज पे, और हम चलते हैं सबसे पहले पे ही, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ कहाँ है भैया, ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखिए
ये रहा दोस्तों वो इथेनोग्राफिक रिसर्च। इसके अंदर देखिए कि स्टडी पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी करे, ऑब्जर्वेशन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, नरजातीय रिसर्च शोध कहा जाता है। अब हम उसी क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, हमारा 17 नंबर पेज पे था वो ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा कि रियलिटी इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इथेनोग्राफिक रिसर्च कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये है 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, आप यहाँ पे डेट चेक कर लीजिए, ठीक है, अभी जो अपना एग्जाम हुआ है वो है ये। और इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25, अब दोबारा फिर क्या गया, नजातीय शोध, तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है इथेनोग्राफिक रिसर्च, जिसके बारे में हमने अभी तक दो बार क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि जून 2019 में दो बार रिपीट हुआ है और फिर ये दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक रिसर्च के अंदर जो कुछ रह गए थे हमारे। और दोस्तों अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा कोर्स करना है, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग करके हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं जून 2019 दिसंबर 2019 के रिसर्च के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे। इस तरीके से आपको दोस्तों सभी टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, जैसे दिसंबर 2012 से 19 तक रिसर्च के अलग, कम्युनिकेशन के अलग, टीचिंग के अलग। इनसे आप बहुत अच्छे से ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, उसकी फीस क्या है और आपको क्या क्या मिलने वाला है, उसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है रिसर्च से रिलेटेड, और अगर या फिर कोई टॉपिक रह गया है रिसर्च का, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए और या फिर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के सभी नोट्स लेने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे कि आप किस तरह से नोट्स ले सकते हैं और आप हमारे पेड कोर्स किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपको पेड कोर्स से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं जून 2020 एग्ज़ाम की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।